ओके तो जैसे ही सपोज जैसे कोई फंडामेंटल राइट्स का के ऊपर कोई ऐसे आ गया, या डेवलपमेंट के ऊपर ऐसे आ गया, या स्वच्छता अभियान के ऊपर ऐसे आ गया, ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले उसके बारे में सोचना है, ठीक है, 5 मिनट सोचना है कि मैं इसके बीच में क्या क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। आपने साइड में ना पेपर के साइड में पॉइंट्स लिख लेने, बुलेट बुलेट फॉर्म में पॉइंट्स लिख लेने, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेने। फिर उसके बाद आपको पता है कि हाँ यार ये वाले पॉइंट्स को मैंने कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में थॉट्स आती है लेकिन कुछ टाइम बाद वो चली जाती है, स्पेशली उन बच्चों की चली जाती है जिनका दिमाग थोड़ा अटेंटिव नहीं होता, ठीक है। तो सर जी मैं बुक नहीं लई, तुसी प्लीज बुक दा नाम दस दो, केड़ी या बुक। ओके तो केड़ी या बुक, माइक्रो नी देवी जी, मैक्रो, मैक्रो आई और एम ही तो फर्क है, यही तो आप मार खा रहे हो, थोड़ा सा ही फर्क है सनी लियोन और सनी दियोल में, ठीक है। जहां स्पेलिंग गड़बड़ा गए वहां लियोन का दियोल बन जाएगा और दियोल का लियोन बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो स्पेलिंग मिस्टेक जहां हुई वहां मीनिंग चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो। आपने घर में कह दिया जी सन्नी लियोन की फिल्म देखनी है और देखनी थी आपको सन्नी देओल की, तो गड़बड़ी हो जाएगी ना, फिर पिताजी मारेंगे आपके, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, हाँ दोनों में डिफरेंस है, ये आपको छोटा सा डिफरेंस समझना होता है, ठीक है। समझती हूँ व्यस्ती, अरे क्या लिख दिया ये समझ ही नहीं आ रहे। तो एनीवेज, तो लास्ट क्लास में कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी किसी प्रकार की हो तो पूछ लीजिए, तो हम अच्छा हिंदी नेम क्या है, अच्छा ओके, अच्छा ये हिंदी नेम है, समझती हैं भैया, ओके 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 ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड सर, आई ऑलरेडी प्रेज एवरीवन, ओके। हाँ लास्ट क्लास में कोई क्वेरी है कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर हम आगे की तरफ वी विल मूव फॉरवर्ड। इज देर एनी डाउट एनी क्वेश्चन। पढ़ते भी हो, हमें तो पढ़ा ही नहीं, क्या डाउट है, हमें तो यही नहीं पता लास्ट क्लास में चला गया था। हाँ बेसल बेसल नॉर्म्स पढ़ना है हमें, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप लोग, कोई न्यूज वगैरह लिखी है आपने, जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी वर्ड आपको ऐसा लगे कि आपको नहीं समझ आया तो यू हैव टू गूगल इट। नहीं सर, अच्छा लेक्चर इतने ज्यादा होते हैं सर, पढ़ाई करने का टाइम ही नहीं मिलता। अरे बाप रे, एआरसी का नाम बता दो सर, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, काफी सारी कंपनी है। ओके जस्ट गूगल इट सर, फाइनल ईयर वाले बच्चों के एग्जाम है। ओके सर जी पूरा फोकस है हमारा स्टडी पर। अरे क्या बात है देवी जी, सर मैं ऐसी करती हूँ, वाजी टाइम मैंने लगा कर, कम करो लेक्चर, कम करो लेक्चर, कम करो, प्रीति कबीर सिंह वाली, टाइम नहीं होता एसेट रिकंस्ट्रक्शन। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ठीक है सर, किसी को डाउट नहीं है, सारे बच्चे होशियार हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कि ठीक है, तो जैसा कि हमारी क्लास का रूल है कि इन बिटवीन कोई मैसेज नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्लास शुरू कर रहे हैं, द मोमेंट आई विल आस्क यू कि इज देयर एनी डाउट देन यू हैव टू मैसेज में, ओके समझ आ गया रूल, समझ आ गए। हाँ नहीं करेंगे ये भी नहीं करना, ये नहीं करेंगे नहीं लिखना, ठीक है। तो अभी सारों का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर, और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे छोड़ा था बेसल नॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। तो बच्चों को इन बिटवीन काफी नींद आ चुकी थी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा, 2 स्लाइड्स हमने की थी सिर्फ इसकी, तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आप सभी के लिए, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। बेसल नॉर्म्स बनने का कारण क्या है, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हो सबसे पहले उसको वर्ड्स को आप समझो कि वर्ड्स का मतलब क्या है, ये बेसल वर्ड का मतलब क्या है, बेसल क्या चीज है, नॉर्म्स का मतलब क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले हिंदी अनुवाद कर देंगे फिर इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे। बेसल एक शहर है, कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। वहां पे एक बैंक फॉर इंटरनेशनल स्टेटमेंट बैंक, सॉरी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट करके एक सेंट्रल बैंक है, मतलब सारे देशों का एक सेंट्रल बैंक, ठीक है, ना कि वर्ल्ड बैंक, ठीक है। आप में से क्वेश्चन पेपर में आपको दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज सेंट्रल बैंक ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स, ठीक है। उसमें ऑप्शन में शायद वर्ल्ड बैंक भी दे दे आपको, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट भी दे दे, तो आपने आपके मुंह में पानी आ जाएगा, अरे
सारे वर्ल्ड का तो एक ही बैंक होगा, वर्ल्ड बैंक होगा, है ना, तो वो पानी नहीं लेके आना है, ठीक है। आपको मार्क करना है BIS, दैट इज बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसल नॉर्म्स क्या है, बेसल सिटी है, वहां पे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, ठीक है, जिसका नाम था कमेटी का बेसल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन, बैंक को सुपरवाइज करने के लिए कमेटी बनाई थी, ठीक है, जिसका नाम था बेसल कमेटी। उस बेसल कमेटी ने नॉर्म्स रिकमेंड किए, ओके, नॉर्म्स रिकमेंड किए, दैट इज नोन एज बेसल नॉर्म्स, ओके, जो कि इनिशियली डिजाइन हुए थे 1988 में, उसके बाद 2004 फिर 2011 में, ठीक है। ये बेसिकली किस लिए लाए गए, ये इसलिए लाए गए कि कल को अगर किसी बैंक का दिवाला निकलने लगता है, इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन हो जाती है, ठीक है, बैंकरप्टसी की सिचुएशन होती है, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में वो बैंक अपने आप को रिकवर करने के लिए वहां से मदद ले सकता है। कहां से? बेसल नॉर्म्स में कुछ नॉर्म्स हैं ऐसे, ठीक है, वो क्या है, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम कौन सी स्टेज पर हैं, अभी हम थर्ड नंबर स्टेज पर हैं, बेसल नॉर्म्स 3 चल रहे हैं। जैसे मूवीज होती है ना, जैसे क्रिश, वो कौन सी थी, कोई मिल गया, देन क्रिश, देन क्रिश 2, ऐसे होते हैं ना, पार्ट सीक्वल होते हैं, वैसे ही हैं ये, बेसल नॉर्म्स 1 आए थे, देन 2, देन अभी 3 चल रहे हैं। आपसे पूछ लेगा कि इंडिया में बेसल नॉर्म्स चल रहे हैं, नहीं अभी नहीं चल रहे, ठीक है, कब चलेंगे, आरबीआई ने कहा है कि 2023 में बेसल नॉर्म्स इंप्लीमेंट करने हैं सारे बैंक्स को, ठीक है। अब बेसल नॉर्म्स है क्या, तो इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे हम, ठीक है। हाँ हाँ देवी जी, फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड है, ओके, तो दोबारा से रिपीट कर देता हूं, सर मुझे शो नहीं हो रहा, ओके, सभी को शो नहीं हो रहा, या देवी जी को ही नहीं शो हो रहा, मुझे लग रहा सभी को शो हो रहा, हो रहा है, देवी जी आप रिफ्रेश कर लीजिए, ओके, हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा, बस बस बस, शांत शांत, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आ जाओ स्क्रीन पर आ जाओ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बेसल इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में एक सिटी है, एक शहर है, ओके, एंड BN बोले तो बेसल नॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स व्हिच वाज लेड डाउन बाय द बेसल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन, ये कमेटी है बैंक जिसका नाम है बेसल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन, जो कि फंक्शन करती है किसके अंडर, ह्यूमन अंडर BIS, दैट इज बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो कि कहां पे स्थित है, बेसल में, स्विट्जरलैंड में, ओके, इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स, ऑफ विच RBI इज आल्सो मेंबर, RBI भी उसका मेंबर है, ओके, क्योंकि ये जो नॉर्म्स है, जो कि इनिशियली डिजाइन हुए थे 1988 में, 1988 में, ओके, एंड दे वर लेटर अपडेटेड इन 2004 एंड 2011, ओके, एंड दे प्रिस्क्राइब द सेफ लैंडिंग नॉर्म्स टू द बैंक्स, ओके, एंड एट प्रेजेंट वी आर एट बेसल 3 नॉर्म स्टेज, वेरी सिंपल, कोई इसमें समझने वाली चीज नहीं है, सिर्फ जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद आया कि हमने ये पढ़ा कि हाउ बेसल नॉर्म्स कम्स इनटू द पिक्चर, बेसल नॉर्म्स आए कैसे, मतलब लोगों के दिमाग में आएगा कि इस तरह के कुछ नॉर्म्स बनाने चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, कोई चीज के आने के लिए कुछ ना कुछ कारण होता है, ठीक है ना, आप यहाँ पे लेक्चर अटेंड कर रहे हो, कोई ना कोई कारण होगा ना, आपके सपने होंगे, आपके ड्रीम्स होंगे, आपके पेरेंट्स के सपने होंगे, ठीक है, आपका कोई गोल होगा कि हाँ यार मेरे को IAS बनना है, देश की सेवा करनी है, कहीं होगा ये भी है कि हाँ यार मेरे को खाकी वर्दी पहननी है, मैंने पिक्चर देखी थी सलमान खान की दबंग, ठीक है, कुछ भी यार XYZ कुछ भी होंगे, ठीक है, दैट्स व्हाई यू आर हियर, है ना, देयर इज सम रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, ऐसा तो नहीं है कोई बिना रीजन के यहाँ पे है ना, सभी के पास रीजन होगा, ओके। तो बेसल नॉर्म्स कैसे आए, हुआ क्या सर, 2007-08 में हुआ सब प्राइम क्राइसिस हुआ USA में। इसको सब प्राइम क्राइसिस क्यों बोलते हैं, सब प्राइम क्राइसिस होता है, सब प्राइम क्राइसिस बोले तो जो सब प्राइम बोरोवर्स की वजह से होता है, ठीक है। अब सब प्राइम बोरोवर कौन से होते हैं, सब प्राइम बोरोवर वो होते हैं कि जिन्होंने बैंक से लोन लिया और बाद में बैंक के पैसे नहीं चुका पाए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंग्लिश वर्जन, आफ्टर देयर बैंक्स लोन्ड मनी टू द सब प्राइम बोरोवर्स, ठीक है, सब प्राइम बोरोवर जो मतलब अधिकतर लोन लेते रहते हैं, ठीक है, जिनका रिकॉर्ड ठीक है, सब प्राइम मतलब जिनका रिकॉर्ड, जो जिनके बारे में पता ही नहीं, नए लोग आए हैं, इनके बारे में इनका हमें हिस्ट्री नहीं पता कि इनका कैसा है, स्कोर कैसा है, पिछला सिबिल स्कोर कैसा है, या इनकी क्रेडिट स्कोर कैसा है, ओके,
सो दे वर नोन एज सबप्राइम बोरोअर, दैट इज पीपल विदाउट कैपेसिटी टू रीपे द लोन. उनकी हैसियत नहीं है या जो मर्जी कह लो कि उनके बस का नहीं है दोबारा से लोन रीपे करना. ओके, सो द रिजल्टेंट हाउसिंग बबल एंड इट्स कलैप्स विच लेड टू द इकोनॉमिक डाउनटर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड. मतलब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक डाउनफॉल होगी. द रीजन बींग इज कि यूएस के कुछ बैंकों ने ऐसे लोगों को लोन दे दिया जिनकी कैपेसिटी नहीं थी उस लोन को चुकाने की. ओके, किन लोगों को? सब प्राइम बोरोवर्स को, जिनकी वजह से क्या हुआ, सब प्राइम क्राइसिस आया. ठीक है, अब लोगों को पैसे दे दिए, वो लोग पैसे लेके चले गए. ठीक है, उन्होंने रीपे नहीं किया, उनको बिजनेस में लॉस हो गया या कुछ भी हो गया, एक्स वाई जी कुछ भी. ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक डाउनटर्न यानी इकोनॉमी गिरनी शुरू होगी. ठीक है, सो टू प्रिवेंट सच क्राइसिस इन फ्यूचर, इसी तरह की क्राइसिस को फ्यूचर में क्या कहते हैं, प्रिवेंट करने के लिए देर इज नीड फॉर कॉमन बैंकिंग रेगुलेशन. ठीक है, एक ऐसी बैंकिंग रेगुलेशन की जरूरत है, एक कॉमन बैंकिंग रेगुलेशन की जो सभी दुनिया के बैंक्स के ऊपर लागू हो. ओके, जैसे कि यहां लिखा है, देर इज नीड फॉर कॉमन बैंकिंग रेगुलेशन अक्रॉस ग्लोब एंड बेसल नॉर्म्स एम इज टू अचीव दिस. नाउ द क्वेश्चन इज कि हम इसको अचीव कैसे करेंगे. मतलब ये तो हमने पढ़ लिया कि ठीक है, बेसल नॉर्म्स का कहना है कि हम कोई ऐसी कॉमन बैंकिंग रेगुलेशन सारे देश के बैंकों के लिए ऐसी रेगुलेशन बनाएंगे कि जिससे कि कल को इकोनॉमी में इस तरह की सिचुएशन ना आए. ठीक है, कि इकोनॉमी दोबारा से ना गिरे. ठीक है, अब वो क्या है, नॉर्म्स क्या है, वो हम पढ़ेंगे. तो बेसल नॉर्म्स के अंदर जो एक नॉर्म है वो है एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब क्या होता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द रेशियो ऑफ ए बैंक्स कैपिटल इन रिलेशन टू इट टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है. आपसे प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लिख दिया, नीचे उसकी डेफिनेशन लिख ली. ठीक है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें से कौन सी सही है. ओके, सो द डेफिनेशन इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द रेशियो ऑफ ए बैंक्स कैपिटल. That is, capital adequacy ratio is equal to total free capital of a bank in tier 1 and tier 2. ये क्या है, मैं अभी आपको बताऊंगा. Divided by total risk-weighted assets. इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है. It is the ratio of bank's capital in relation to its risk-weighted assets and current liabilities. ठीक है, आपको हिंदी वर्जन बिल्कुल शुद्ध भाषा में आपको समझाता हूँ कि ये है क्या. Basel norms कह रहा है कि हर बैंक को कुछ कैपिटल रखनी पड़ेगी. किसके पास? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास कुछ कैपिटल रखनी पड़ेगी. एडिक्वेट मतलब कुछ स्पेसिफिक. ठीक है, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट बैंक को अलग से रखना पड़ेगा. ठीक है, वो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है कि कौन सा बैंक कितनी कैपिटल रखेगा, उसका फॉर्मूला ये है. CAR इज इक्वल टू, हमें न्यूमेरिकल पोर्शन में नहीं जाना, यू हैव टू जस्ट सिंपली रिमेंबर दिस फॉर्मूला और यू कैन से दिस डेफिनेशन. That is, the capital adequacy ratio is total free capital of a bank in tier 1 and tier 2 divided by total risk-weighted assets. Okay? Divided by total risk-weighted assets. Now, the question is, what is total free capital? Total free capital कौन सी होती है bank की? It include, इसका मतलब bank की अपनी money. ठीक है? जैसे कि आप, suppose करो, मैंने bank खोला, ठीक है? Bank खोला, bank में मैंने कुछ पैसे लगाए हुए अपने. Suppose मैंने 10 करोड़ लगाए हैं, 20 करोड़ लगाए हैं. ठीक है, वो मेरे अपने कैपिटल हैं. सपोज आप में से किसी बच्चे ने उस बैंक में शेयर खरीदे हुए हैं. ठीक है, वो उसकी कैपिटल है. तो वो कैपिटल को बोलते हैं टोटल फ्री कैपिटल. मतलब कि वो किसी की हमें देनदार ही नहीं है, ये मेरे पैसे हैं. समझ रहे हो? मतलब कि वो बैंक के किसी डिपोजिटर के पैसे नहीं है. समझे? टोटल फ्री कैपिटल का मतलब जो कि बैंक्स ओन मनी, दैट इज शेयर कैपिटल, जो कि मैंने आपको बताया. सपोज आप बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो, बैंक के शेयर खरीद रहे हो, बैंक में आपका हिस्सा है बेसिकली. ठीक है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, प्रेफरेंशियल इज आल्सो सेम एज बॉन्ड्स. ओके, बॉन्ड्स. टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स कौन से होते हैं? सपोज रिस्क वेटेड एसेट्स बोले तो, सपोज बैंक ने किसी को लोन दिया, ठीक है, उसमें रिस्क तो होता ही है. हर वो कैलकुलेट करते हैं कि ठीक है, कितने ड्यूरेशन में वो लोन रिकवर हो रहा है, उसका रिस्क एक मेजर करने का फॉर्मूला होता है. आपको इतनी डेप्थ में नहीं जाना, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दिस. टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स कंसीडर्स क्रेडिट रिस्क, जो कि लोन पे जो रिस्क है, मार्केट रिस्क, एंड द लास्ट वन इज ऑपरेशनल रिस्क. ओके, तो दिस इज द टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स. ठीक है, अभी और एक्सप्लेन करूंगा मैं, घबराना नहीं आपने.
सो दिस रेशियो इज यूज्ड टू, ये जो रेशियो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, दिस रेशियो इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स, मतलब हम लोग जो आम आदमी बैंक में डिपॉजिट करा रहा है उनको भी एक तो प्रोटेक्ट रखेगी, एंड प्रमोट द स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ ए फाइनेंशियल सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी बनी रहेगी, मतलब किसी का दिवाला निकलेगा नहीं, ठीक है, अगर निकलेगा तो उसको हम CAR के द्वारा रिकवर कर लेंगे, ओके, और एफिशिएंसी बनी रहेगी फाइनेंशियल सिस्टम की थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ओके। दोबारा से समझते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होती है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का पर्पस ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ कैपिटल बैंक को रखनी है, कुछ एडिक्वेट कैपिटल रखनी है, कुछ स्पेसिफिक कैपिटल रखनी है, किसके लिए रखनी है, कि इन केस उसका कल को रिस्क वेटेड एसेट्स, RWA बोले तो रिस्क वेटेड, टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स, ओके, और ये टोटल फ्री कैपिटल ऑफ ए बैंक, टोटल फ्री, TFC बोले तो टोटल फ्री कैपिटल, ओके, कि कुछ कैपिटल बैंक को रखनी है साइड में, ओके, कि इन केस कल को उसका कोई ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन आ जाए तो वो वहां से पैसे ले लें, ठीक है सर। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, CAR, आपको ज्यादा नो नीड टू गो सो मच डीप, ओके, जस्ट रिमेंबर दिस सिंपल डेफिनेशन, और यू कैन से सिंपल फॉर्मूला, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द रेशियो ऑफ ए बैंक्स कैपिटल इन रिलेशन टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, ओके, इट इज मेजर्ड एट CAR, दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज इक्वल टू टोटल फ्री कैपिटल ऑफ ए बैंक इन टायर वन एंड टायर टू डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स, एंड टोटल फ्री कैपिटल मतलब नाम से क्लियर हो रहा है ना, टोटल फ्री कैपिटल यानी बैंक की अपनी मनी, ओके, जो बैंक ने अपने शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स हैं बैंक के, प्रेफरेंशियल्स हैं, प्रेफरेंशियल सेम लाइक बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड्स, उसके बाद हमने पढ़ा TRWA, दैट इज टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स, इट इंक्लूड क्रेडिट रिस्क, ठीक है, आपने लोन दिया, बैंक ने लोन दिया, उस पर रिस्क है, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, मतलब कि उसको बैंक को चलाने का जो रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क, ओके, सो दिस रेशियो इज बेसिकली यूज्ड टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर्स एंड प्रमोट द स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ ए फाइनेंशियल सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद आगे इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, तो टायर वन कैपिटल, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था टायर वन एंड टायर टू, टायर वन टायर टू का मतलब क्या है, टायर वो वाला टायर नहीं है जो बाइक में या साइकिल में या रिक्शा में या ट्रक में या एरोप्लेन में लगा होता है, ये टायर दूसरा, ठीक है, टायर वन कैपिटल बोले तो दैट इज द प्राइमरी फंडिंग सोर्स ऑफ बैंक, ठीक है, कैपिटल मतलब पैसा बेटा, आपके पास सपोज आपको बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, आपके पास कैपिटल कितनी है, ओके, TRWA अभी बताया दो, टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है, पूंजी, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, एक्चुअली मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, मीनिंग बताने में थोड़ी सी कमजोर है, वैसे तो मेरे को काफी शुद्ध हिंदी आती है, ओके, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं ना कहीं की हिंदी नहीं आती, एक्चुअली स्पेशली इसमें इकोनॉमिक्स, मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं था, स्टिल आई एम टीचिंग इकोनॉमिक्स, सच अ स्ट्रेंज थिंग, एनीवेज जस्ट फोकस ऑन दिस, सो टायर वन कैपिटल इज प्राइमरी फंडिंग सोर्स ऑफ द बैंक, मतलब जहां से बैंक को पैसा आ रहा है, ठीक है, दैट इज अ प्राइमरी इंडिकेटर टू मेजर बैंक्स फाइनेंशियल हेल्थ, जो कि इसमें क्या है, कोर कैपिटल होती है, कोर कैपिटल यानी कि शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, इसका मतलब क्या हुआ सर, वही जो आपने अपनी जिन्होंने बैंक खोला है उनके शेयर होल्डर्स हैं उनके पैसे, और जो अर्निंग्स हैं उनकी उनके पैसे, ठीक है, मतलब वो उसको बोलते हैं कोर कैपिटल, जो बैंक को चलाने के लिए चाहिए, इसको बोलते हैं टायर वन कैपिटल, ठीक है, इट होल्ड्स नियरली ऑल ऑफ द बैंक्स एक्यूमुलेटेड फंड्स, ठीक है, एंड दोज फंड्स जनरेटेड स्पेसिफिकली टू सप्लीमेंट बैंक्स, मतलब ये फंड किस लिए यूज होते हैं, बैंक को सप्लीमेंट करने के, मतलब बैंक का सपोज अगर क्राइसिस की सिचुएशन में बैंक की हेल्प करने के लिए, व्हेन लॉसेस आर एब्जॉर्ब्ड सो दैट रेगुलर बिजनेस फंक्शन डू नॉट हैव टू बी शट डाउन, ताकि जो बैंक का बिजनेस है वो एकदम से बंद ना हो जाए, ठीक है, इसको टायर वन कैपिटल बोलते हैं, टायर वन कैपिटल जो कि बेसिकली कोर कैपिटल जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसमें जो जिन लोगों ने शेयर होल्डर्स ने अपने पैसे लगाए हुए हैं और जो अर्निंग्स हैं उनकी, ठीक है, वो वाला पैसा होता है, ठीक है, इनकेस अगर बैंक का सपोज दिवाला निकलने वाला तो वो वाले पैसे को लाके उसमें यूज करेंगे, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में, ताकि बैंक का दिवाला निकलने से बच सके, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दीज फंड्स जनरेटेड स्पेसिफिकली
टू सप्लीमेंट बैंक्स व्हेन लॉसेस आर अब्सॉर्ब्ड सो दैट रेगुलर बिजनेस फंक्शंस डू नॉट हैव टू बी शट डाउन। ओके, बच्चे कहेंगे सर आप चली जा रहे हो, थोड़ा पूछ भी लो। आप मेरे को, मैं फर्स्ट स्लाइड से शुरू कर रहा हूँ, किसी को डाउट होगा तो एक एक करके पूछेगा, ठीक है? ये नहीं कि फटाफट, एक एक करके पूछो। इसमें कोई डाउट है, सिंपल है, इसमें कुछ कुछ ना समझ आया हो, कोई वर्ड ना समझ आया हो, कुछ आगे चले आप मेरे को बताइए। रिपीट सर, ओके, कोई नहीं, रिपीट कर देंगे हम, आराम से बैठे हैं एकदम। तो बेसल लॉम्स, बेसल टायर वाला रिपीट कर देना। हाँ ठीक है, वो तो मैं करूंगा, वो तो जब वो वाली स्लाइड आएगी उसमें बताना। इसमें इसमें कोई डाउट है? चलो मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। देखो बेसल नोम्स किस लिए बने? बेसल नोम, बेसल नाम का शहर है। शहर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है? स्विट्जरलैंड आपको पता है यूरोप में है, ठीक है? आप सभी का सपना होगा स्विट्जरलैंड, ठीक है? तो इसलिए एग्जाम में सही से आंसर देना, क्योंकि एग्जाम में दिया हुआ हर गलत जवाब आपके हनीमून को स्विट्जरलैंड से वैष्णो देवी में बदल सकता है, ठीक है? सो आंसर्स देख के दीजिए, ठीक है? होता है ना शादी के बाद जाते हैं वैष्णो देवी जाते हैं, तो अच्छे आंसर दोगे, अच्छा पैसा मिलेगा, तो फिर स्विट्जरलैंड जाओगे, अदरवाइज मम्मी जाओ बेटे ट्रेन में जाओ, तो उल्टियां करते हुए जाओगे ट्रेनों में। सॉरी सॉरी, जस्ट फोकस ऑन दिस। सो बेसल इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड, ओके, एंड बेसल लॉम्स वाज लेड डाउन बाय बेसल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन, ठीक है? एक कमेटी बनाई गई है, बेसल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन, दैट इज फंक्शन अंडर BIS, दैट इज बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ओके। इट वॉज इनिशियली डिजाइंड इन 1980, 1988 में डिजाइन किए गए थे कि हाँ यार इस तरह के नॉर्म्स बनाएंगे, ठीक है? लेकिन फिर 2007-08 में क्राइसिस आया ना, उसके बाद इनको लाया गया कि अरे यार अब तो लागू करने ही पड़ेंगे भाई, अब तो मतलब पानी सर से ऊपर जा चुके हैं, ओके। एंड इट वॉज लेटर अपडेटेड इन 2004 एंड 2011। जो उनसे भी मैंने हाईलाइट वर्ड्स किए हैं ना, उन पर फोकस करना, ठीक है? ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ओके। दीज नॉर्म्स बेसिकली प्रिस्क्राइब द सेफ लैंडिंग नॉर्म्स, ठीक है? सेफ लैंडिंग नॉर्म्स फॉर द बैंक्स, एंड एट प्रेजेंट वी आर एट बेसल 3 नॉर्म्स, ओके। तो आगे समझ, अभी जिस बच्चे ने पूछा था कि सर इस ये स्लाइड रिपीट कर दो, अभी आगे समझ उस बच्चे को, किसने किया था, तो आगे चले। चलो इस स्लाइड में कुछ ना समझ आओ, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, चले आगे। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बेसल सिटी है स्विट्जरलैंड, वहां पे ये बैंक है, विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स ऑफ विच RBI इज आल्सो मेंबर, जिसका RBI भी मेंबर है सर। यूरोप में स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में बेसल, बेसल में बैंक फॉर इंटरनेशनल। अरे सर मैम छागे, आप छागे, देखा इसे कहते हैं टैलेंट। ये टैलेंट सिर्फ लड़कियों में ही होता है, नारी शक्ति जिंदाबाद। अरे तुम भी कर लो कुछ, मूर्खों बैठे हुए आराम से। सर यूट्यूब पर क्लास नहीं लग रही, तो यहां लगा लो पाजी, यहां लगा लो, यहां लगा लो पाजी। यूट्यूब में क्या रखा है, क्या रखा है यूट्यूब में, सब कुछ क्लिक मीटिंग पे है। हाउ बेसल लॉम्स कम्स इनटू पिक्चर, इसमें कुछ ना समझ आयो जल्दी पूछो, इसमें कुछ ना समझ आयो। इसमें हमने बताया कि बेसल लॉम्स आए कैसे, बैकग्राउंड क्या था, 2007-08 में सब प्राइम क्राइसिस हुआ USA में, सब प्राइम क्राइसिस किस वजह से हुआ, सब प्राइम बोरोवर्स की वजह से हुआ। सब प्राइम बोरोवर्स कौन होते हैं? दैट इज द पीपल विदाउट कैपेसिटी टू रीपे द लोन, ओके, जिस वजह से इकोनॉमिक डाउनफॉल हो गया। तो फिर हमें लगा कि हाँ यार कुछ कॉमन बैंकिंग रेगुलेशन बनाने चाहिए, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब, और बेसल लॉम्स का एम क्या है, टू अचीव दिस बेसिकली, ओके। उसके बाद हमने करा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है, रुक जाती है थोड़ा, समझ लगता है बाकी मिस हो जाता है। सर आप एक काम करना, हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर दिया है, मैं ये लिंक आपको उसमें डाल दूंगा, क्या कहते हैं आपके व्हाट्सएप, इकोनॉमिक डाउन टर्न मतलब गिर गई, डाउन हो जाना, ठीक है? मंदी आ गई, बेरोजगारी आ गई, लोगों के पास पैसा नहीं था, काम धाम नहीं चल रहा, जैसे हमारी इकोनॉमिक डाउन टर्न हुई पड़ी, अभी GDP -23% हुआ पड़ा, ओके। हाँ
इकोनॉमी गिर गई बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी गिरी हुई चीज थी तो गिर गई। ठीक है, टीएफसी, अरे कितनी बार बताया टोटल फ्री कैपिटल, टीएफसी बोले तो टोटल फ्री कैपिटल, टीआरडब्ल्यूए बोले तो टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। सर रोज रिकॉर्ड कर लीजिएगा प्लीज, फिर मैं बाद में देख लिया करूंगी पेपर करके। ठीक है देवी जी, और भी सेवा पक्का कर देंगे। चलो हाँ, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नहीं समझ आई होगी। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सिंपल से आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आपको इतना सा चीज ध्यान रखनी है, सिर्फ इतनी सी चीज ध्यान रखनी है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है क्या, सी ए आर कार क्या है, कार का फॉर्मूला क्या है, टी एफ सी डिवाइडेड बाई टी आर डब्ल्यू ए, सी ए आर इज इक्वल टू टी एफ सी दैट इज टोटल फ्री कैपिटल ऑफ ए बैंक इन टायर वन एंड टायर टू डिवाइडेड बाई टी आर डब्ल्यू ए दैट इज टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला अपने जड़ बुद्धि में डाल लेना। ठीक है, तो ये है क्या बेसिकली, टोटल फ्री कैपिटल जो कि बैंक की अपनी मनी है, जो बैंक का अपना पैसा है, इट इंक्लूड शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, प्रेफरेंशियल्स एंड बॉन्ड्स। ओके, उसके बाद आती है टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। हर चीज में रिस्क है। ठीक है, आप लोग, हम लोग तो इतना देखते नहीं, लेकिन ये बैंक वगैरह होते हैं, ये बड़ी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, उसके लोन में कितना रिस्क है, दैट इज क्रेडिट रिस्क कितना है, मार्केट रिस्क कितना है, ऑपरेशनल रिस्क कितना है, वो सब कैलकुलेशंस होते हैं इनकी काफी सारी। ओके, नो नीड टू ड्वेल इनटू इट, जस्ट सिंपली नो दिस फॉर्मूला, सीएआर इज इक्वल टू टीएफसी डिवाइडेड बाय टीआरडब्ल्यूए दैट इज टोटल फ्री कैपिटल ऑफ ए बैंक डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। एंड टोटल फ्री कैपिटल ऑफ ए बैंक इंक्लूड्स इट्स अ बैंक ओन्स मनी, बैंक की अपनी मनी, बैंक का खुद का पैसा। ठीक है, सॉरी, इट इंक्लूड शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, प्रेफरेंशियल्स एंड बॉन्ड्स। ओके, एंड टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स इंक्लूड क्रेडिट रिस्क, इट कंसीडर्स बेसिकली क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, और दिस रेशियो इज यूज्ड, बट ऑब्वियस व्हाई इट इज यूज्ड, बिकॉज टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर्स एंड प्रमोट द स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ ए फाइनेंशियल सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें कुछ ना समझ आया, अरे टोटल फ्री कैपिटल ऑफ ए बैंक, देवी जी टोटल फ्री कैपिटल, फ्री कैपिटल फ्री है, ये बैंक को किसी को देनी नहीं है। ठीक है, ये किसी डिपॉजिटर की मनी नहीं है। हम जाते हैं बैंक को, सपोज आप जाते हो, ठीक है, आप जाते हो बैंक में पैसे जमा कराते हो। ठीक है, अब बैंक की आपको देनदारी होगी। ठीक है, यानी वो बैंक की अपनी कैपिटल नहीं है, मतलब वो किसी की कैपिटल, किसी की अमानत है ना बेसिकली, समझ रहे हो। अब टोटल बैंक की अपनी मनी कौन सी होगी, शेयर कैपिटल, जिन लोगों ने शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ बैंक के। ओके, रिजर्व्स में, बैंक के अपने रिजर्व, सॉरी, प्रेफरेंशियल्स इज सिमिलर टू, सिमिलर लाइक बॉन्ड्स और बॉन्ड्स। ठीक है, लास्ट लाइन इट सेड दैट दिस रेशियो इज, ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, ये यूज होती है बेसिकली टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर जो हम जैसे लोग हैं, कि हम जैसे बैंकों का दिवाला निकल जाता है, लोग टेंशन में आ जाते हैं ना कि अरे यार अब तो बैंक का दिवाला निकल गया, हमारे पैसे कैसे निकलेंगे। तो ये कैपिटल वहां काम आएगी कि उन, जब बैंक का दिवाला निकल जाएगा तो वो कैपिटल हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे, उन लोगों के पैसे दे देंगे बेसिकली। दिस रेशियो इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर एंड प्रमोट द स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ ए फाइनेंशियल सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। ओके, हाँ, अब पूछो, आगे चलें फिर। अब पूछो, अरे यार पागल हो गया, अभी टीएफसी तो रिपीट किया यार, सो रहे थे क्या, तीन बार तो रिपीट कर दिया भाई, कमाल है यार, तीन बार तो रिपीट किया भाई, कमाल कर दो यार, ऐसे ऐसे जानबूझ के मजे मत लो यार, गला हलक सूख जाता है यार भाई, बी अटेंटिव यार, ऐसे नहीं होता यार, थोड़े अटेंटिव रहो यार, एकदम जोश में रहो, हाथ मुंह धो के आओ ऐसे। ठीक है, प्रेफरेंशियल इज सेम लाइक बॉन्ड्स। ओके, हाँ बताया तो, अभी लिखा भी हुआ पीछे। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा कि टायर वन कैपिटल क्या होती है, टायर वन कैपिटल जो कि जैसे मैंने आपको बताया, अब प्राइमरी, यही मतलब टोटल फ्री कैपिटल जो कि बैंक की अपनी मनी है, दैट इज प्राइमरी फंडिंग सोर्स ऑफ द बैंक। ओके, जहां से बैंक को पैसा आता है बेसिकली, ये समझ रहे हो ना, प्राइमरी का साइन समझ रहे हो ना, कहीं पूछो सर वन के ऊपर ये बिंदु क्या लगाई हुई है, इतना तो पता होगा शायद। इट्स अ प्राइमरी इंडिकेटर टू मेजर्स बैंक्स फाइनेंशियल हेल्थ, बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए।
हाँ स्लोली स्लोली चल रहे हैं जी, बिल्कुल। टायर वन कैपिटल जो कि है प्राइमरी फंडिंग सोर्स ऑफ द बैंक, ठीक है, मतलब बैंक को यहाँ से पैसा आता है, ठीक है। इट्स अ प्राइमरी इंडिकेटर टू मेजर बैंक्स फाइनेंशियल हेल्थ, बैंक के अपने पास कितना पैसा है, अपना पैसा कितना है, ठीक है। इट इज अ कोर कैपिटल जिसको कह सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, अक्यूमुलेट मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, अक्यूमुलेटेड फंड्स, ओके। कोर कैपिटल कहाँ लिखा है, अक्यूमुलेटेड फंड्स कहाँ लिखा है पाजी, पीछे लिखा है क्या, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है अक्यूमुलेटेड फंड्स। एनीवेज कोर कैपिटल इज कंसिस्ट ऑफ कोर फंड्स, अच्छा, ये लिखा। अरे बैंक के जितने भी फंड हैं उसको होल्ड करना, अभी बता रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, एक सेकेंड, कोर्स पे आ रहा हूँ यार। कोर कैपिटल क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज होल्ड्स नियरली ऑल ऑफ द बैंक्स एक्यूमुलेटेड फंड्स, ठीक है, मतलब जितने भी फंड्स हैं बैंक के, फंड्स मतलब जहां से फंडिंग आती है बेसिकली बैंक को, ठीक है, वो टायर वन कैपिटल में आते हैं, ठीक है, जितने भी फंड्स हैं, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठे, ओके। दीज फंड्स जनरेटेड स्पेसिफिकली टू सप्लीमेंट बैंक्स, ये फंड्स कब यूज होते हैं, बैंक को सप्लीमेंट करने के लिए, कब, जब When losses are absorbed so that regular business function do not have to be shut down, ताकि जो normal business है वो shut down ना हो basically, ठीक है sir। Retained earning interest वगैरह आते हैं, अरे retain मतलब hold करके रखना, कहाँ लिखा है, रिटेन्ड अर्निंग्स, ओके। हाँ सपोज बैंक ने लोन दिया, ठीक है, उस पे जो उसको अर्निंग हो रही है, जो ब्याज आ रहा है बैंक को बेसिकली कस्टमर्स से, 3 में, हाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द बैंक, प्रॉफिट बेसिकली, ओके। थर्ड वन इज कैपिट, कोर कैपिटल, कोर मतलब समझते हो, कोर ऐसे बोलते हैं ना, कोई कोई आपको कुछ दे दे, कोई लड़की आपको बोल दे भाई हैप्पी बर्थडे, ठीक है, आप बोलते हो ना थैंक्स फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, कोर का मतलब क्या होता है, गहराई, मतलब दिल की गहराई से मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो कह रहा है कोर कैपिटल है बैंक की, बिल्कुल जो बेसिक कैपिटल है, ठीक है, और बैंक की बेसिक कैपिटल कौन होगी, जिन लोगों ने फंडिंग दे रखी है बैंक को चलाने के लिए बेसिकली, तो वही कह रहा है ना, इट कंसिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, जो बैंक का प्रॉफिट है, रिटेन्ड, अरे बताया तो भाई लोन पे तो खुद ही तो अभी बताया तुमने, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द बैंक, एग्जाम्पल क्या देना इसका, इंटरेस्ट का क्या एग्जाम्पल दू, ब्याज मिल रहा है उसका क्या एग्जाम्पल देना देवी जी, ये कोई कोई एसेट थोड़ी है। बैंक अगर लोन दे रहा है बदले में उसको ब्याज मिल रहा है, उसका एग्जाम्पल क्या दूं, ब्याज एग्जाम्पल क्या दूं, कमाल करती हो देवी जी, आप कहे थे ना प्रॉफिट होता है, हाँ हाँ देवी जी आप मेरी बात सुनो, बैंक है, मैं बैंक हूं, आप बिंदु जी, बिंदु जी मैंने आपको लोन दिया, ठीक है, आपको मैंने लोन दिया, कोई ऐसा तो नहीं कि भाई आप ये 6 साल बाद दे देना, बीच में 1 रुपया भी ना देना, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब मैंने आपको 5 लाख रुपए दिए, ठीक है, मैं कहता हूँ कि आपको 1% वो लगेगा जिस पे ब्याज लगेगा, यानी 5,000 रुपए आपको मेरे को हर महीने देने देने हैं, ठीक है, वो 5,000 मेरे प्रॉफिट है और वो मेरे 5 लाख भी सेव है, यानी 5 साल बाद जब वो लोन मैच्योर हो जाएगा सपोज, तो वो 5 लाख भी देने हैं और जो 5,000 आप मेरे को दे रहे हो वो मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये मैंने अर्न किया है आपसे, अभी समझ आया, अभी समझ आया देवी जी, शुक्र है अल्लाह का, प्रॉफिट सेव्ड फॉर फ्यू टाइम, हाँ ये क्या 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 बोल रहे हो देवी जी, हरप्रीत जी क्या बोल रहे हो, अब पता नहीं देवी जी हैं देवा जी हैं, प्रॉफिट सेव्ड फॉर फ्यू टाइम मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, जल्दी जल्दी पूछो, पूछे गायब तो नहीं हो गए, देवा है, अच्छा
तो देवा जी पूछो प्रॉफिट सेव्ड फॉर फ्यू टाइम, मतलब प्रॉफिट विच इज सेव्ड यार, दैट इज द अनदर थिंग ना, प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट वुड बी सेव्ड और नॉट, बट द थिंग इज कि अब सपोज करो, अब कैसे आपको समझाया जाए, ऐसे तो मैंने इतना सिंपल समझाया, चलो फिर से दोबारा से समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया हरप्रीत जी, बैंक ने आपको लोन दिया, ठीक है, वो कह रहा है कि कोर कैपिटल क्या होती है, मतलब कि ये बैंक का अपना पैसा है, बैंक की अपनी गुल्लक है भाई, इसमें बैंक के प्रॉफिट जमा है और बैंक के शेयर इक्विटी कैपिटल जमा है, ठीक है, मतलब जिन लोगों ने शेयर होल्डर्स ने पैसा डाला हुआ है, ठीक है, अर्निंग्स है बेसिकली बैंक की, उसको बोलते हैं, इसमें आप इतना ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत ही नहीं है, प्रॉफिट है वो बैंक का जो उसने अर्न किया, ठीक है, सिंपल है यार, वेरी वेरी सिंपल, नो नीड टू अप्लाई योर रॉकेट साइंस हियर, ओके, इतना उसको कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, बहुत इजी चीज है। हाँ ज्यादा समझ आ गया आप लोगों को क्या बात है, क्या बात है सर, अच्छा गया। अभी फिर भी कोई डाउट हो कोई नहीं पूछो पूछो। सर ज्यादा समझ आ जाएगा हम सब लोगों डन डन डन, चलो कोई नहीं, मैं आप लोगों के लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैम कोर कैपिटल क्या है, बैंक की कैपिटल, सर बैंक की अपनी कैपिटल, बैंक की अपनी कैपिटल जो बैंक ने अर्न की है, किस किन से अर्न की है, डिपोजिटर से, आप जैसे डिपोजिटर से जो बैंक में पैसा जमा कराते हैं, या सपोज करो आप बैंक से लोन ले रहे हो, ठीक है, आप बदले में ब्याज दे रहे हो बैंक को, हर महीने आपके खाते में से ब्याज कटती होगी, किसी को पता होगा आप में, आपके घर में से किसी ने अच्छा ठीक है धन्यवाद, आप सपोज आपके घर में किसी ने, पापा ने, मम्मी ने, किसी ने भी लोन लिया होगा, आपके चाचा ने, ताया जी ने, किसी ने लोन लिया होगा, है ना, ठीक है, आपके उनके ना पूछ लेना, हर महीने ना अकाउंट में से ब्याज कटती है, जो उस दिन मैं बता नहीं रहा था मोरेटोरियम वर्ड बता रहा था, मोरेटोरियम का मतलब कि 3 महीने का मोरेटोरियम लगा हुआ था, यानी 3 महीने आपको कोई भी ब्याज नहीं देनी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, है ना, समझा रहा था ना, बस सिंपल था यार, इससे आसान क्या बताऊं, बैंक की गुल्लक में जमा होना वो सारा पैसा, वो बैंक का प्रॉफिट है बेसिकली, ठीक है, वो कह रहा है ये बैंक की कोर कैपिटल है सर, वो बैंक ने जो प्रॉफिट अर्न किया है, रिटेन्ड अर्निंग, अर्निंग क्या हुई, आप लोग कुछ पैसा कमाते उसको क्या बोलते हैं, अर्निंग बोलते हैं ना, आपने कुछ अर्न किया, कुछ कमाया, तो बैंक ने क्या कमाया, बैंक ने ब्याज कमाया सर, किससे कमाया, आपसे कमाया, आप कौन हो, आप डिपोजिटर हो, आपसे पैसा कमाया, बैंक ने अपनी गुल्लक में रखा, जिसको बोला हमने रिटेन्ड अर्निंग्स, बैंक रिटेन द अर्निंग, रिटेन मतलब होल्ड करके रखना, किसको, अपनी अर्निंग्स को, रिटेन्ड अर्निंग, ओके, एंड द शेयर होल्डर इक्विटी, ओके, लग गया सर समझ, अरे शुक्र है शुक्र शुक्र सर, एक क्वेश्चन प्लीज 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 आस्क संजय, प्लीज आस्क, यस सर आगे समझ, प्लीज प्लीज प्लीज, जिसको नहीं समझ आया अभी भी, इतनी अच्छी तरह मेरे को अगर किसी ने समझाया होगा ना, फिर तो क्या ही बात थी, वो किसी को यार नहीं आया अभी समझ, उसको उसको समझाना पड़ेगा ना, ऐसे नाराज हो जाएगा, अरे अच्छा ओके, रीसेंट मॉरेटोरियम न्यूज है जिसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाया, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाया, प्लीज टेल अबाउट इट, समझा नहीं मैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाया, इसमें इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लगाया मतलब, आप एक काम करना, मेरे को व्हाट्सएप पे ना वो न्यूज भेजना, ओके ओके लेट मी चेक, आप एक काम करना, आप मेरे को वो न्यूज भेजना, न्यूज कटिंग भेजना, व्हाट्सएप करना, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ओके, अगर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है तो वी विल डिस्कस इट, ओके, कोर्ट में केस चल रहा है, ओके, कोई नहीं, आप मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं हम उसको रिपीट करेंगे। अच्छा फिफ्थ पॉइंट, 1 2 3 4 5, ये तो समझने वाला था ही नहीं, ऊपर वाले से समझने वाले, ये तो वैसे ही लिखी हुई है, ऐसे ही लिख दी बस, दीज फंड्स जनरेटेड स्पेसिफिकली, ये जो फंड्स हैं, ये जो कोर कैपिटल है, ये इसलिए रखी जाती है, ये जो बैंक अलग से अपने गल्ले में, आप अपनी गुल्लक में पैसा जमा करते हो, किस लिए करते हो, किस लिए करते हो, सिंपल सी बात है वीना जी, किस लिए करते हो आप, इसलिए करते हो ना कि कल को अगर मेरे को
वो देखिए मूवी देखिए, वो मुझसे शादी करोगी, सलमान खान ने 3 गुल्लक बना रखी होती हैं, एक दादी की आंखों के ऑपरेशन के लिए, एक बहन की शादी के लिए, और एक पता नहीं किसकी बनाई होती है, ठीक है। सिमिलरली आपने भी गुल्लक्स बनाई होती है ना, अपनी सेविंग की होती है, किस लिए की होती है, ताकि कल को आपको सपोज कोई भी जरूरत पड़ जाए पैसे की तो आप वहां से यूटिलाइज कर लो, है ना। तो सिमिलरली ये भी कह रहा है कि ये फंड इसलिए जनरेट किए हैं स्पेसिफिकली टू सप्लीमेंट बैंक्स, कि बैंक को मदद मिल सके, किसके लिए, व्हेन लॉसेस, जब बैंक लॉस में हो, व्हेन लॉसेस आर एब्जॉर्ब्ड, सो दैट रेगुलर बिजनेस फंक्शंस डू नॉट हैव टू बी शट डाउन, ताकि जो आम बिजनेस है वो शट डाउन ना हो। सिंपल। प्रियंका के लिए, हाँ प्रियंका के, अच्छा तीनों तोड़ने पड़ते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वीना रानी, जब बैंक को कोई लॉस होता है तब ये फंड यूज करते हैं इमरजेंसी में। अरे क्या बात है सर, मतलब टीचर यहाँ समझा रहे हैं, बच्चे नीचे समझा रहे हैं, क्या बात है सर, सबका साथ सबका विकास है, क्या बात, वाह मोदी जी वाह। समझ आया, आगे चलें, इजाजत है आप सबकी, वाह मोदी जी वाह। चलो सर, चलो चलो जी, हाँ शुक्र है टायर वन कैपिटल समझ आ गई, मेरे को तो लग रहा रात हो जाती, या अल्लाह मदद कर। टायर टू कैपिटल, ठीक है, टायर टू कैपिटल। सर मैंने मूवी नहीं देखी, मैं छोटी सी शादी वाली, मैं छोटी हूँ शादी वाली। अरे आ जाओ यार, आ जाओ। थैंक्स मोहित कह रही है, थैंक्स सर नहीं कह रही, भी सर ने गला बिठा लिया है, आप बात है सर, वाह मोदी जी वाह। आ जाओ टायर टू कैपिटल पे। टायर टू कैपिटल भी इट्स सप्लीमेंट्री कैपिटल, ठीक है, जो सप्लीमेंट करती है बैंकिंग कैपिटल को बेसिकली, ओके। इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व आते हैं, ठीक है, बैंक के कुछ रिजर्व, सॉरी, इसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व आते हैं, अनडिस्क्लोज रिजर्व आते हैं जो बैंक डिस्क्लोज नहीं करता, मतलब कुछ रिजर्व अलग से रखे होते हैं कि थैंक यू, तो ठीक है, जो बैंक डिस्क्लोज नहीं करता कि हाँ यार ये कुछ कैपिटल मैंने रखी हुई है कि कल को जब भी काम आएगी, ठीक है। उसके बाद होती है हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, एटसेट्रा। इसको, इसके अंदर ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनके नाम रटने हैं, ठीक है। एक रिवैल्यूएशन रिजर्व होते हैं, अनडिस्क्लोज रिजर्व होते हैं, हाइब्रिड कैपिटल। वैसे तो सच्ची बताऊं आपको, आपको सिर्फ इतने तक मतलब रखना है कि कैपिटल एडिक्यूसी रेशियो क्या है, बेसिकली टोटल फ्री कैपिटल ऑफ ए बैंक और डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। अच्छा अच्छा, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ठीक है, आपको सिर्फ नाम रिमेम्बर करना है। ये लेकिन लेस रिलायबल होती है एज कम्पेयर टू टायर वन कैपिटल, टायर वन कैपिटल से लेस रिलायबल होती है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट इज मोर डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एंड लिक्विडेट, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, और इसको लिक्विडेट करना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। लिक्विडेट मतलब कि उसको कैश फॉर्म में लाना उसको मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत सारी कैलकुलेशन करनी होती है कि रिस्क वेटेड, क्योंकि टाइड टू कैपिटल भी एक तरह की सप्लीमेंट्री कैपिटल है बेसिकली, ठीक है, उसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व्स हैं, अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व हैं, हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एंड इट इज लेस रिलायबल एज कम्पेयर टू टायर वन कैपिटल। इसलिए सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है यार, किसी आप कुछ खा रहे हो, ठीक है, सप्लीमेंट मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा नहीं कह सकते आप, सप्लीमेंट का मतलब होता है, अब मेरी बात सुनो, मेरी मम्मी मुझे खाना देती है, ठीक है, लेकिन मेरे जिम वाला कहता है भाई तू खाना तो खा रहा है लेकिन तेरे को कुछ कुछ एडिशनल या कुछ कह लो कि इसके साथ कुछ चीज जोड़नी पड़ेगी, ठीक है, मतलब रोटी खा रहा है वो तो ठीक है, मतलब इसके साथ तेरे को कुछ ऐसा जोड़ना पड़ेगा कि जिससे, हाँ सपोर्ट, वेरी गुड वर्ड यार, हाँ कि साथ में कुछ ऐसा जोड़ना है कि आपको वो और ज्यादा मतलब प्रॉपर उस चीज की कमी पूरी कर दे, ठीक है। सो दैट कैपिटल इज बेसिकली यू कैन से इट्स सपोर्ट बेसिकली टायर वन कैपिटल, ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, बिल्कुल पाजी बिल्कुल, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कैपिटल, इट इंक्लूड नॉट सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट एक अलग चीज होगी, ठीक है, इट इंक्लूड रीवैल्यूएशन रिजर्व्स एंड डिस्क्लोज्ड रिजर्व, हाँ
हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा इट इज लेस रिलायबल एज कम्पेयर टू टायर वन कैपिटल बिकॉज इट इज मोर डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एंड लिक्विडेट. ओके, तो अभी बेसल नॉर्म्स कितने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितनी की हुई है उन्होंने 10.5%, पहले 8% थी, ठीक है, अभी पीछे ही ये 10.5% की है. किन्होंने की है, किन्होंने किया, टायर की कोई फुल फॉर्म नहीं है, किन्होंने किया है 10.5% की है सर आपने की किसने, बेसल कमेटी ने, ठीक है, बेसल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन, ठीक है, जो कि इसके अंदर है, BIS के अंदर है, ठीक है, इसने 10.5% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की है. अब 10.5% का मतलब क्या है, 10.5% का मतलब है, अब आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको लिखा हुआ है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मान लो 10.5% है, मान लो क्या है ही है, लेट्स से टायर वन फंड्स हैं 10 करोड़ रुपीज, यानी बैंक के जो टायर वन फंड्स कौन से हो गए, टायर वन फंड्स कौन से हो गए, बैंक की अपनी फ्री कैपिटल, ठीक है, उनसी मैंने आपको बताई, जिसको कोर फंड्स भी बोलते हैं, याद है ना, भूल तो नहीं गए भाई, सोए तो नहीं पड़े, हाँ हाँ, शुक्र है अल्लाह का. सो टायर वन फंड सपोज मान लो 10 करोड़ रुपए हैं, यानी बैंक की जो कोर कैपिटल है, जो लोगों की, जो बैंक का अपना गल्ला है, गल्ले के अंदर कितने पैसे हैं, सपोज 10 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, आ जाओ स्क्रीन पे, आ जाओ कीबोर्ड से हट के स्क्रीन पे आ जाओ. तो टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स हैं बैंक के सपोज 2 करोड़ रुपए, टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स मैंने बताए थे ना कि ऑपरेशनल रिस्क, बैंक को चलाने का रिस्क क्या है, वो कैलकुलेशंस होती हैं, हमने नहीं उसमें घुसना, ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है, वो है सपोज 2 करोड़ रुपए. तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है टायर वन प्लस टायर टू डिवाइडेड बाई टोटल रिस्क वेटेड एसेट, दैट इज 10 करोड़ डिवाइडेड बाई 2 करोड़, कितना आ गया, 5 करोड़, यानी कि बैंक को 5 करोड़ रुपया किसके पास रखना है, BIS के पास, BIS भूल गए ना, बोले तो नहीं, बेसल में बैंक फॉर इंटरेस्ट सेटलमेंट, कि 5 करोड़ रुपए बैंक को उसके पास रखने हैं, कि भाई कल को हमारा दिवाला विवाला निकल जाए, हमारे पैसे खत्म हो जाए, तो आपसे हम वो 5 करोड़ रुपए ले लें, समझे, समझ गए, सिंपल सा है, दोबारा समझाता हूँ, देखो ध्यान से सुनो, सपोज करो जैसे कि सपोज क्या, अभी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 10.5, ठीक है, इस और बैंक के मान लो फंड्स हैं टोटल, जो कोर कैपिटल है बैंक की, बेसिकली सपोज 10 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, बैंक के अपने गल्ले में 10 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, गल्ला समझते हो ना, गल्ला, गुल्लक, बैंक की गुल्लक में, गल्ला नहीं गुल्लक, ठीक है, उसमें 10 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, और जो टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स हैं वो है 2 करोड़ रुपए के, यानी बैंक का जो रिस्क है बेसिकली 2 करोड़ रुपए का, ठीक है. तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, टायर वन डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है. टायर टू को हमने इसलिए कंसीडर नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा था, बिकॉज इट इज मोर डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, इसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, एंड लिक्विडेट, एंड इट इज लेस रिलायबल टू टायर वन कैपिटल, ठीक है. बट फॉर्मूले में यू हैव टू पुट दिस थिंग कि टायर वन प्लस टायर टू कैपिटल, ओके, तो जैसा कि हमने पढ़ा 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 करोड़ दैट इज 5 करोड़ दैट इज बैंक नीड टू रिजर्व दिस 5 करोड़ विद BIS दैट इज बैंक फॉर इंटरेस्ट सेटलमेंट की 5 करोड़ रुपए आपको अलग से रिजर्व रखने हैं, ठीक है, कल को दिवाला वाला निकल जाएगा तो वहां से वो 5 करोड़ रुपए आपकी मदद हो जाएगी, ठीक है. जैसे कि अभी आपने सुना होगा ना पीछे यस बैंक का दिवाला निकल गया था, ठीक है, यस बैंक के मतलब बहुत ज्यादा दिवाला निकला, वहां लोग वगैरह खड़े हो गए थे, ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन से बेसिकली बचने के लिए, ठीक है, तो ये चीज काम आएगी. फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ लेट से टायर वन कैपिटल अगर सपोज 10 करोड़ रुपीज है और टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स 1 करोड़ रुपीज है, तो CAR का फॉर्मूला क्या है, दोनों को डिवाइड कर देना 10 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 10 करोड़, दैट इज बैंक हैव टू रिजर्व असाइड 10 करोड़ रुपीज. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मतलब दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, दैट इज यू हैव टू रिजर्व दैट कैपिटल एज अ रिजर्व, ठीक है, ताकि कल को इन फ्यूचर में वो आपके काम आ सके. सिंपल है यार, इतनी इसमें कोई बहुत खतरनाक वाली कैलकुलेशन नहीं है. सर बैंकों का दिवाला इतनी जल्दी तो नहीं निकलता, बट निकलता है तो कैसे निकलता है, अरे वाह सर, बैंकों का दिवाला क्यों निकलता है, सर बैंक में कोई करप्ट बैंकर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे लोन दे दिया
माल्या जैसे लोग लूट के ले गए पैसे, ठीक है। वो कौन था अभी पीछे, नीरव मोदी जैसे ले गए, ठीक है। बड़े बड़ा नाम है, अब आपकी आप बड़ी हस्ती हो, दीपक कुमार जी बड़ा नाम सुना है, ठीक है, करोड़पति आदमी हो, ठीक है। आप गए बैंक पे, आपने बैंक से लोन ले लिया, बैंक ने भी आपको लोन दे दिया, भाई दीपक कुमार जी तो बहुत नामी गिरामी आदमी है, ठीक है। बैंक ने कहा कि अरे, और आपने भी बैंक को लालच दे दिया, भैया मैं ऐसा है, आप 5% ब्याज देते हो ना, मैं आपको 10% ब्याज दूंगा, आप मेरे को 10 करोड़ रुपए दे दो। तो आपने बैंक को बेवकूफ बना के आपने 10 करोड़ रुपए ले लिए, और 10 करोड़ रुपए लेके आप निकल गए यूरोप, स्विट्जरलैंड, वैष्णो देवी नहीं गए, समझ गए दीपक जी। तो इस वजह से बैंक का दिवाला निकलता है, ठीक है। फॉर्मूला वन में एनपीएस भी तो बढ़ रहे हैं ना इस वजह से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात सर, बैंक तो कम ही देते हैं लोन। अरे बैंक बड़े लोन देते हैं, लेकिन बड़े बंदों को बड़ा लोन देते हैं। माल्या 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 बहुत चलाक थे। अरे भैया आपको भी माल्या बनना है, बिल्कुल। दिवाला मतलब सत्यानाश, बिल्कुल बिल्कुल आपको भैया माल्या बनना है, दुनिया का सारा पैसा लेके आ जाना अपने पास, ठीक है। बैंक लोन देने में ही तो फर्स्ट है। अच्छा मतलब फिर वही बकवास शुरू होगी, कचुंबर निकालना क्या यार। फॉर्मूला में टायर वन एंड टायर टू लिखा था, बट कंसीडर सिर्फ टायर वन करना है एक्चुअली करना है। हमने यहाँ पे एग्जांपल में हमने टायर टू पढ़ा है, हम यहाँ पे नहीं लिख सकते कि वो कितना होगा टायर टू कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, हमें नहीं पता कि वो कितना कंसिडर करेंगे, बिकॉज इट वॉज मैंशनड हेयर दैट इट इज मोर डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एंड लिक्विडेट, ओके। इट इज लेस रिलायबल टायर वन कैपिटल, नाम ही इतने कॉम्प्लेक्स है, तो जाहिर सी बात है ना, उसको निकालना कितना कॉम्प्लेक्स होगा। इट इंक्लूड रीवैल्यूएशन रिजर्व्स एंड डिसलोड रिजर्व्स, हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स एटसेट्रा, ठीक है। बड़े को बड़ा, छोटे को छोटा, बिल्कुल सही बात सर। जैसी शक्ल, एक बार क्या हुआ कि बिल गेट्स के घर में कोई बैंक वाले आए हुए थे, ठीक है। तो बिल गेट्स के पास फोन आया ओबामा का, तो ही सेड कि सर आपसे मीटिंग करनी थी, तो आप मिल सकते हो। वो कहता कि मैं बैंक वाले आए हुए थे मेरे पास, अक्का मतलब आल्सो नोन एज यार। तो बैंक, वो कहता कि बैंक वाले आए हुए मेरे पास, तो इनके साथ मीटिंग चल रही है मेरी। बिल गेट्स ने बोला कि, तो वो कहते कि किस बारे में मीटिंग चल रही है, कह रहे लोन के रिगार्डिंग कोई बात कर रहे हैं। तो ओबामा सेट की, सर आपको क्या जरूरत है, आप तो बिल गेट्स हो, आपको क्या जरूरत है लोन की। कह रहे नहीं मेरे को नहीं, ये बैंक वाले लोन मांगने आए मुझसे। सो आपको लोन देना, ठीक है, आपको लोन लेना नहीं है, समझ रहे हो। फिर समझ आ गया टायर वन कैपिटल टायर टू कैपिटल, हम ये पढ़ रहे थे। हाँ ये तो पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये पढ़ना। हाँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अब टाइप करना बंद कर दो, अब जरा स्क्रीन पे ध्यान दो। दोबारा एक बार दोबारा से रिपीट करें, घबराना नहीं है, ठीक है। दिल छोटा नहीं करना, बीपी डाउन नहीं करना आपने, ना हाई करना है आपने, सबर करना बस, सबर। जिसने किया सबर वही लेगा पूरी दुनिया की खबर। वाह वाह मोदी जी वाह। तो बेसल थ्री नॉर्म्स जो कि स्टिपुलेट, सर CAR कम होया तो 10.5% से 10.5% ही करना है ना देवी जी, समझे नहीं, 10.5% ही तो करना, कम होया तो 10.5%, क्या यार क्या वाहियात सवाल पूछ रहे हो। 10.5% ये तो बैंक डिसाइड करेंगे ना, उन्होंने डिसाइड किया होगा भैया 10.5%, तो हम इसमें क्या कमेंट कर सकते हैं। कमाल करते हो यार, सवाल पूछ लो पहले, चलो फिर मैं शुरू करूं। सवाल पूछना और कहीं, शैल वी मूव। सवाल पूछना, पूछो 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 जरा पूछो सर, इसका इन्फ्लेशन पर कट। अरे यार हर चीज इन्फ्लेशन से कहाँ जोड़ देते हो यार, ये मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ कि भाई तुमने सच जज के दूल्हा बन के जाना है, वहां पे तुम बातें कर रहे हो कि सर रेस में कितना किलोमीटर दौड़ना चाहिए। अरे यार उसका क्या लेना देना इससे भाई मेरे, ये
ये जो बेसल लोन्स हैं, बेसल लोन्स इसलिए बनाए गए हैं भाई कि बैंक का दिवाला निकले कल को, ठीक है, उसका इधर से क्या लेना देना, कहां से कनेक्टिविटी कर रहे हो पाजी? नहीं मेरा, हाँ आप ही ने पूछा था ना उस दिन क्वेश्चन सर इसका, आप सर क्वेश्चन, आपके सर क्वेश्चन काफी वो ज्यादा होते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो महाराज खून खोलता है मेरा। सर ने सर मुझे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी समझ आते हैं, आप बोलते सर। अच्छा, तारीफ पीरियड लास्ट में, ठीक है, लास्ट के 5 मिनट तारीफ के लिए देंगे आपको। अभी आप ये बताओ कि इसमें कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। सर मेरे को लगता है दिवाला का मतलब, अरे यार फिर वो शुरू हो गए तुम, अभी अभी चुप हो जाओ, फिर अभी चुप हो जाओ, अभी इधर ध्यान दो, हाँ अभी इधर आ जाओ। पता क्या होता है, कुछ सिंसियर बच्चे होते हैं उनको काफी बुरा लगता है, ठीक है, आप जब मजाक का टाइम चल रहा है उस वक्त मजाक करो, ठीक है। अभी मैंने आपसे ये पूछा कि सिर्फ इसमें कोई डाउट है तो जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, ओके। एनीवेज, बेसल 3 नॉर्म्स जो कि है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 10.5%, ठीक है। किसी ने पूछा कि 10.5% कम होगा नहीं होगा, यार ये ना चेंज होते रहते हैं, ठीक है, ये वो डिसाइड करते हैं कौन, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो कि क्या है, सारे सेंट्रल बैंक का एक सेंट्रल बैंक, ठीक है, जिसका आरबीआई भी क्या है, मेंबर है, ओके। तो पहले 8% थे, अभी 10.5% हुआ है, तो ठीक है। लेकिन आरबीआई ने कहा है जितने भी इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 9%, ठीक है। आरबीआई ने कहा था भैया तुम 9% ही सिर्फ मेंटेन कर लो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स पता है ना कौन से शेड्यूल में आते हैं, अब बताओ इसका आंसर, देखिए कौन पहले बताएगा। शेड्यूल नंबर 2, वाह 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 वाह, कबीर सिंह प्रीति जी ने बता दिया, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, बस अब तो सारे पता ही चल गया। शेड्यूल नंबर 2 ऑफ द विच एक्ट, ऑफ विच एक्ट, जल्दी 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 जल्दी, या बेटे या आरबीआई एक्ट 1934, छागे सर छागे छागे छागे, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है इसका मतलब, ठीक है, सही है सही है सही है सही है। एक ना दवाई आती है एक ना शंख पुष्पी नाम की, पता है आपको, किसी को पता है शंख पुष्पी नाम की एक दवाई आती है, लिक्विड आता है, सिरप आता है, सिरप, हाँ सबको बता रहे हो, सिरप आता है, किसलिए होता है वो शंख पुष्पी पीते हैं ना बच्चे, किसलिए पीते हैं पता है किसी को, हाँ वेरी गुड, दिमाग तेज करने के लिए तो आप वो पिया कीजिए, दिमाग एकदम पूरा एकदम जो सपने में धुंधली आ रही है ना, कुछ भी धुंधला आ रहा है वो एकदम क्लियर नजर आएगा, ठीक है, दवा की जरूरत नहीं दुआ की जरूरत है। अच्छा चलो, एनीवेज बेनिफिट नहीं होया, मेरे फ्रेंड ने पी थी जरूरी नहीं है बेनिफिट, नहीं नहीं मैं नहीं पीता भाई, मैं नहीं पीता, मैं पिलाता हूँ खाली मैं पिलाने रिकमेंड करता, आ जाओ हम कुछ और पीते हैं, आ जाओ यार आ जाओ आ जाओ, दवाई के ऊपर चर्चा लगने बैठ गया, मीठी होती है सर खट्टी होती है, इधर आ जाओ, आरडब्ल्यूए में बैठे हुए भैया, हम सीता माता को लेके अयोध्या पहुंच चुके हैं और आप रावण के पास ही बैठे हो, सर रावण के 10 सिर कैसे हैं, रिस्क वेटेड एसेट्स भैया बताए तो थे, ऑपरेशनल रिस्क क्रेडिट रिस्क, ठीक है अभी दोबारा आएंगे उस पे फिर बताएंगे अब, हाँ सर प्रोटीन पीते हैं आ जाओ। सो एज पर आरबीआई नॉर्म्स इंडियन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, अब कोई मैसेज नहीं करेगा, इंडियन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 9%, ठीक है, दे हैव टू मेंटेन 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। जैसे कि बैंक टोटल अमाउंट लोन 100 करोड़ रुपए, सपोज बैंक को लोन देना 100 करोड़ रुपए, ठीक है, एंड बैंक हैव टू मेंटेन 9% CAR, ठीक है, बैंक को 9% CAR मेंटेन करनी है, दैट इज बैंक टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सपोज 9 करोड़ रुपए, टायर 1 में 7 करोड़ और टायर 2 में 2 करोड़, ठीक है, यानी निचोड़ इसका क्या हुआ, यानी शुद्ध भाषा में इफ बैंक हैव टू लोन 100 करोड़ रुपीज मनी, दैट इज रिस्क वेटेड एसेट्स, सपोज रिस्क वेटेड एसेट्स आप पढ़ लो, यहाँ से भी समझ आ जाएगा, सपोज बैंक को 100 करोड़ रुपए लोन देने हैं, ठीक है, ये रिस्क वेटेड एसेट्स हैं, पता नहीं रिकवर होंगे नहीं होंगे, रिस्क रिस्क है ना भैया, तो 100 करोड़ रुपए, तो
उसमें से वो कह रहा है कि अगर 9% CAR है, 9%, हाँ हाँ अरे कब के बंद हो चुके हैं आप, अब जागी हो देवी जी। सपोज 100 करोड़ रुपए रिस्क वेटेड एसेट्स हैं, ठीक है, देन इट ओट टू हैव 9 करोड़ रुपीज एज टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, क्योंकि सपोज 9% क्या है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो यानी कि बैंक को 9 करोड़ रुपए, यानी 100% का, सॉरी 100 करोड़ का 9% कितना हुआ, 9 करोड़ रुपए, ठीक है, यानी बैंक को 9 करोड़ रुपए टोटल एडिक्वेसी, टोटल कैपिटल रिजर्व रखनी है, ठीक है। टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स इज यूज टू डिटरमाइन मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट मस्ट बी हेल्ड बाय बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी, ठीक है। टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, दैट मस्ट बी हेल्ड बाय बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स का मतलब समझते हो, क्या बोलेंगे यार हिंदी में, क्या बोलेंगे, वस्तु कह लो या कुछ, जैसे आप एसेट्स रखते हो बैंक में, मॉर्टगेज, संपत्ति, नहीं जरूरी नहीं संपत्ति, कुछ भी हो सकती है, संपत्ति भी हो सकती है, बट हाँ एसेट्स का मतलब समझते हो ना, सिंपल है यार हिंदी में, नहीं मेरे को समझ आ रहा। तो रिस्क वेटेड एसेट्स कौन से हो गए, दे वर यूज टू डिटरमाइन द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये इसलिए यूज किए जाते हैं रिस्क वेटेड एसेट। रिस्क वेटेड एसेट्स मैंने आपको बताए थे, दोबारा बता देता हूँ, टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स में आप क्रेडिट रिस्क कंसीडर करते हैं, मार्केट रिस्क कंसीडर करते हैं, ऑपरेशनल रिस्क कंसीडर करते हैं, ओके ठीक है, मतलब बैंक को ऑपरेट करने का क्या रिस्क है, मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, डाउन हो रही है, ठीक है, उसमें रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, लोन दे रहे हो उसमें रिस्क है, ठीक है। तो वो कह रहा है यहाँ पे कि ये जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं इसलिए यूज होते हैं, इट यूज टू डिटरमाइन द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट मस्ट बी हेल्ड बाय बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, ताकि इनको देख के कि मार्केट में इतना रिस्क है भाई, इतना पैसा आप रिजर्व रख के रख लो, तो वो कह रहा है कि रिस्क वेटेड एसेट इसलिए यूज करते हैं टू डिटरमाइन द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज, कम से कम कुछ पूंजी आप रख लो, मस्ट बी हेल्ड बाय द बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बी वेरी प्रिसाइज, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब कल को दिवाला ना निकले आपका, ठीक है, उसका रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल आपने रिजर्व रखी हुई है, किसको देख के, रिस्क वेटेड एसेट्स को देख के, ठीक है, रिस्क वेटेड एसेट्स आपको मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो अभी डेडलाइन इंडिया में जो बेसल 3 नॉर्म्स को करने की कर दी है वो है 1 जनवरी 2023, 2023 तक कर दी गई है, ठीक है, तो अभी आप आराम से इंजॉय करो, इतना ज्यादा डीप में नहीं घुसना आपको, अभी सिर्फ इतना, मतलब सिर्फ इतना पढ़ना है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होती है, बेसल नॉर्म्स का मतलब क्या है, ठीक है, अभी कितनी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रिकमेंड की हुई है 10.5%, ठीक है, आरबीआई ने कितनी की है 9%, ये यूज किस लिए होता है, किस पर्पज के लिए, बेसल नॉर्म्स आए क्यों थे, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट कहाँ पे है, ठीक है, सिर्फ इतना आपको समझना है, आपको चीज समझनी है, आप चीजों को समझो कि इसका आने का कारण क्या था, कितनी सारी इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन हो रही है, दिवाला निकल रहा है, बैंक में क्राइसिस आ जाता है, इस वजह से बैंक हैव टू मेंटेन सम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ओके, दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ सीएआर, ओके, ये एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया था, इतना समझ में आया, उसके बाद हम इसका क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट पढ़ते हैं, भाई क्या है इसमें, अब मैं दोबारा से वहां से शुरू करता हूँ, किसी बच्चे को कुछ ना समझ आया हो तो बेझिझक पूछ सकता है, बिना शर्माए लुगाइयों की तरह पूछ सकते हो आप, ऑल क्वेश्चंस आर वेलकम बट प्लीज आस्क जेन्युइन क्वेश्चन, आगे सर समझ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सिंपल है यार, बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, आप कई बार क्या होता है ना, मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ, जैसे सपोज मैंने आपको क्लास में समझाया, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं 2 से 3 बार समझाऊं, ठीक है, 2 से 3 बार समझाता हूँ, फिर भी इन केस चलो हो जाता है, कई बार नहीं समझ आता, कई बार कोई चीज नहीं समझ आती, हो जाता है कई बार, थोड़ा कईयों का दिमाग थोड़ा धीरे चलते हैं, कुछ भी है, एक्स वाई जी कुछ भी कारण है, आप पिछली रात सोए नहीं हो, रात को पबजी ज्यादा खेल लिए, कुछ भी कारण है, ठीक है, तो आप क्या करा करो, जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद जो रिकॉर्डिंग होती है, कुछ भी होता है, या ये जो स्क्रीन शॉट्स ले लेते हो, इसको दोबारा से समझो, जब आपका माइंड रिलैक्स हो, कई बार होता है कि आप क्लास में जबरदस्ती बैठ गए, माइंड रिलैक्स नहीं है उस वक्त, या जो भी है, ठीक है, तो
आप दोबारा से समझ लो, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ आए, उसके बाद भी ना समझ आए, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो यार। इससे ज्यादा और बताओ क्या करूंगा, आपके घर आ जाएंगे बताने आपको। और बताओ, वो देखा है पबजी का वकील कह रहे चलती है पबजी, ठीक है। डन डन डन, मतलब कई बंदे तो ऐसे होते हैं, मतलब तू बोल तो सही, देख मैं तेरा जवाब देता हूँ साथ के साथ, है ना। मतलब कुछ बच्चे इसलिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। ऑल क्लियर सर, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ तो अभी कोई मैसेज नहीं करेगा, अभी बस खत्म होने वाला हमारा बेसल लॉन्च, ठीक है। उसके बाद फिर पढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ बेसल नॉर्म्स, ठीक है। क्रिटिसिज्म का मतलब तो पता ही होगा यार आपको, शुक्रिया। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है सर? हम एमपी से हैं, हमने तो पूछा ही नहीं। अच्छी बात है सर, मैं गया हूँ एमपी, एक बार गया हूँ मैं सर। छोटा करना, क्या छोटा करें भाई, स्क्रीन छोटी करेंगे। क्रिटिसिज्म पढ़े भाई। अच्छा सर, एमपी में वेलकम कर रही है सिस। अच्छा वेलकम वेलकम सर, आपने घर आने की बात की ना, अच्छा इसलिए। अच्छा अच्छा आएंगे देवी जी, आया हूं मैं एक बार एमपी आया हूं। अच्छा 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 यार, ये अक्का पे अड़ी हुई है देवी जी। अक्का का मतलब बताओ यार इनको कोई। एक यार वो देखे नहीं गए, ये रैपर्स जो होते हैं, also known as, अक्का means also known as, एमपी में यार गया था, पता नहीं कहाँ गया था मैं भूल गया। आई थिंक झांसी गया था शायद, बड़ी पहले गया था, 2014 की बात है। also known as, anyways come to this, अभी कोई मैसेज नहीं करेगा, अभी खत्म होने वाला है यार, फिर हम 5 मिनट रिलैक्स करेंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ बेसल नॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स के, हाँ बिल्कुल, क्रिटिसिज्म ऑफ बेसल नॉर्म्स, बेसल नॉर्म के क्या क्रिटिसिज्म है? लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लोग क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि यार बैंक के पास ऑलरेडी कैश रिजर्व करता है, सीआरआर में, एसएलआर में रिजर्व करता है, ठीक है। तो इतने सारे बैंकिंग बैकअप हैं, फिर भी बेसल नॉर्म्स की क्या जरूरत है, बेसिकली ये कह रहा है। तो पढ़ते हैं, वो कहता है कि आरबीआई ऑलरेडी हैज अ सफिशिएंट बैकअप मैकेनिज्म टू प्रिवेंट बैंकिंग क्राइसिस इन इंडिया, जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, ठीक है, ये सब, ताकि बैंक क्राइसिस ना हो, ये सब नॉर्म्स हैं, ठीक है। आरबीआई के पास ये फंक्शन, ये टूल्स हैं बेसिकली, सीआरआर, एसएलआर वगैरह, ठीक है, तो इसलिए जरूरत नहीं है, वो कहता है, ठीक है। दूसरी बात ये है, वन शू डज नॉट फिट फॉर ऑल, इसका मतलब क्या हुआ हिंदी अनुवाद की, एक जूता सभी को नहीं आता, जूता पैर में आता है, इसका मतलब ये नहीं कि हर पैर में आएगा वो, समझ रहे हो। जैसे कि क्योंकि बेसिकली जो आपका क्राइसिस हुआ था वो कहाँ हुआ था, यूएसए में हुआ था, और यूएस में क्राइसिस होने की वजह से बाकी देशों में आया वो। ये यहाँ पे भाई साहब कह रहे हैं कि भैया यूएस में क्राइसिस हुआ ना, जरूरी थोड़ी कि इंडिया में भी हो जाएगा, मतलब हालांकि इंडिया में भी हो ही गया, ठीक है, ऑलमोस्ट कई सारे बैंक्स तो भी पीछे दिवाला निकला, बट द थिंग इज कि हमने यहाँ पे फेवर करना है, ठीक है। क्रिटिसिज्म अगर बोलेगा तो ही सेड that just because American banks were so imprudent, ठीक है, imprudent in their functioning, but not efficient, you can say, in their functioning, and ran into trouble, it does not mean we the Indian banks need to be over cautious. इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी चतन्न हो जाना चाहिए, ठीक है, and keep so much of money aside for safety, क्योंकि जैसे capital adequacy ratio, कुछ money आपको reserve रखनी है, ठीक है, bank already CRR में कुछ reserve रख रहा है, RBI के पास SLR में कुछ लिक्विड एसेट्स में रिजर्व रख रहा है, वो कह रहा है एक अलग से CRR, CAR भी आ जाएगा, उसमें भी रिजर्व रखना है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इतनी सारी मनी अलग से रखनी कोई समझदारी नहीं है, इट कुड बी गिवन टू द नीडी कस्टमर्स एंड बिजनेसमैन, इससे बढ़िया वो मनी, वो पैसा किसको दिया जाए, नीडी कस्टमर, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दिया जाए, या फिर बिजनेसमैन को दिया जाए, ठीक है, जो कि बात भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद
जो बेसल 3 नॉर्म्स की जो डेडलाइन एक्सटेंशन कर दी है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 जनवरी 2023 को 2030 तक कर दी गई है, ओके। और इसमें ये चीज प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन से एक्ट के दौरान गवर्नमेंट आरबीआई गवर्नर को डायरेक्शन दे सकती है, कोई भी मतलब कहना मानने के लिए बात कह सकती है, कोई भी कुछ बात कह सकती है कहना मानने के लिए, तो वो है सेक्शन नंबर 7 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। इट इम्पावर्स द गवर्नमेंट, ये पावर देती है गवर्नमेंट को टू इश्यू डायरेक्शन टू द आरबीआई गवर्नर कि बेटा चल ये कर, चल बेटा ये कर, ठीक है। कौन से एक्ट में? आरबीआई एक्ट में ही, 1934। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 7, ठीक है। आपसे शायद ही पूछे सेक्शन 7, बट आपको ये चीज ध्यान रखनी कि आरबीआई एक्ट 1934 में इट इम्पावर द गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई गवर्नर, ठीक है। सिंपल है सर, ये हमने बड़े क्रिटिसिज्म कि भाई बेसल नॉर्म्स हमें नहीं करना चाहिए, प्रोज मतलब कि बेसल नॉर्म्स क्यों करना चाहिए, जाहिर सी बात है इट इंप्रूव बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू अब्सॉर्ब अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव जो बैंकिंग सेक्टर में आते हैं उससे बचने के लिए बढ़िया है। किस वजह से आते हैं? विच वॉज राइजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाती है, ओके। इट इंप्रूव रिस्क मैनेजमेंट एबिलिटी, ठीक है, रिस्क रिकवर करने, रिस्क को मैनेज करने की एबिलिटी बढ़ जाती है, गवर्नेंस ऑफ बैंकिंग सेक्टर इंप्रूव हो जाती है। इट स्ट्रेंथन द बैंक्स ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, बैंक की ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा बढ़ जाती है, डिस्क्लोजर्स, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यस बैंक इंसॉल्वेंसी हो गई थी, यस बैंक इंसॉल्वेंसी मे टाइटन द क्रेडिट मार्केट, कहते हैं यस बैंक में इंसॉल्वेंसी वैसे जो बैंक का दिवाला निकला, जो बैंक के पैसे वैसे खत्म हो गए, जो लोग लेके भाग गए, इट मे टाइटन द क्रेडिट मार्केट, यानी क्रेडिट मार्केट मतलब क्या कि बैंक को, बैंक जो लोन देता है, क्रेडिट मार्केट क्या हुई, जो लोन देने वाली मार्केट, ठीक है, जो बैंक लोन देता है, इससे क्या हुई मतलब उसमें सिकुड़ेगी, टाइटन होगी, ठीक है, यानी अब बैंक के पास पैसे नहीं है, समझिए। इट वाइडन इकोनॉमिक पेन, जिससे लोगों को दर्द होगा, एक क्या कहेंगे आर्थिक दर्द होगा, ओके। तो ये थी हमारा बेसल नॉर्म्स। अब इसमें कुछ ना समझ आया हो क्रिटिसिज्म में तो पूछो अभी। रिपीट तो करूं भाई, फिर भी कुछ स्पेसिफिक ना समझ आया हो। क्या नहीं समझ आया सर आपको? अरविंद जी क्या नहीं समझ आया आपको? क्या नहीं समझ आया बेटा? रिपीट तो करूंगा मैं, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ क्या नहीं समझ आया, प्रोज भी बताते हैं। सर ये स्लाइड की पीडीएफ सेंड कर दीजिए ग्रुप में, मतलब बनी बनाई खीर चाहिए, हमने खुद से कुछ नहीं मशक्कत करनी, मतलब ये स्लाइड पड़ी होगी हमारे उसमें फोन में, बस ठीक है, बस अपने आप से खुद मशक्कत नहीं करनी बेटे, खुद करो यार, थोड़ा सा लिखो, थोड़ा कष्ट दो, उंगलियों को थोड़ा सा चलाओगे ना, थोड़ी सी रोटेट करेंगे अच्छी तरह, नहीं तो एग्जाम में ऐसे ऐसे करोगे खाली हाथ। ठीक है, नोट्स बनाने की आदत डालो, अगर नोट्स नहीं बनाओगे ना एग्जाम में बहुत दिक्कत आएगी भाई, बता रहा हूँ। और दूसरों के नोट्स से जो नोट्स बनाते हैं उनसे तो मेरे को बहुत ज्यादा नफरत है, ठीक है। हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ, कोई नहीं रिपीट कर रहा हूँ, कोई नहीं शांति कर रहे हैं। मुझे पता है कि कुछ नहीं मिलता तो चलो कहते हैं हाँ यार रिपीट कर दो, कोई नहीं, मतलब मेरा ध्यान तो इधर था तो कोई नहीं अब रिपीट कर दो, मतलब कई बच्चे तो बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं कि आराम से बैठे हैं, चल कोई नहीं दोबारा रिपीट करवा लेंगे, उसके बाद नहीं समझ आया फिर रिपीट करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। We are here to serve you, so don't worry. We are here to serve you. But अगर आप जानबूझ के कर रहे हो तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर देते हैं, हम फटाफट से रिकैप कर देते हैं।
दीपक जी पता क्या चक्कर है, हमने ना पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताने, हमने नेगेटिव पॉइंट भी बताने हैं, ठीक है। हमने मतलब वो रहना, डिप्लोमेट रहना, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब आई लाइक यू एज अ फ्रेंड, आई लव यू एज अ फ्रेंड करना हमने, मतलब बंदा सोच में पड़ जाता है प्यार करती है या करती है, ठीक है, डिप्लोमेट बनना, समझ रहे हो, अगले का दिल भी ना दुखे और बात भी कह दो, समझ रहे हो, वो चीज डिप्लोमेट, डिप्लोमेट समझते हो ना। एनीवेज मतलब दोनों बातें होनी चाहिए, हाँ, हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं ना। आपसे पूछे कि आप में क्या अच्छाइयां, आप में सिर्फ अच्छाइयां तो नहीं होगी, मेरे में भी कोई अच्छाइयां नहीं है, अच्छाइयां भी होंगी बुराइयां भी होंगी, ठीक है, हर चीजें होती हैं, दोनों चीजें, ठीक है। इसी को कहते हैं क्रिटिकली एनालाइज करना, जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा ना उसमें लिखते हैं क्रिटिकली एनालाइज करो। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब क्या होता है कि यू हैव टू पुट द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव पॉइंट्स आल्सो, ठीक है, एंड देन कंक्लूड इट, ओके, ऑन अ पॉजिटिव नोट, ठीक है। एनीवेज तो आज हमने बेसल नॉर्म्स किए, वेरी गुड वेरी गुड, अरे वाह यार नाम कितना प्यारा आपका, नूर। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मेरी दूसरी बेटी होगी मैं उसका नाम रखूंगा नूर, मेरी पहली बेटी का नाम मीरा, वेरी नाइस नेम यार। एनीवेज कम टू द टॉपिक, तो जैसे कि हमने बेसल नॉर्म्स किए, बेसल एक शहर है स्विट्जरलैंड में, दोबारा से बता रहा हूँ, फटाफट रिपीट करेंगे, बेसल एक शहर है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। बेसल नॉर्म जो कि बनाई किसने, बेसल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन, जी बेसल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन जो कि फंक्शन करती है अंडर BIS, दैट इज बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ओके। इनिशियल डिजाइन हुए थे 1988 में, देन 2004, देन 2011 में अपडेट हो गए, ठीक है। इट प्रिस्क्राइब बेसिकली सेफ लैंडिंग नॉर्म, ताकि सेफली बैंक पैसा लैंड कर सके, यानी उधार दे सके, क्रेडिट दे सके, लोन दे सके, बेसिकली सेफ लैंडिंग नॉर्म्स टू द बैंक्स, ठीक है। एंड एट प्रेजेंट वी आर एट बेसल 3 नॉर्म्स, ठीक है, बेसल नॉर्म थर्ड स्टेज पे है हम लोग। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बताया मैंने आपको, बेसल में है ये और स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में शहर है बेसल, वहां पे है, ओके। इट्स अ सेंट्रल बैंक ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स ऑफ व्हिच RBI इज आल्सो मेंबर, जिसका RBI भी मेंबर है, ओके। हाउ बेसल नॉर्म कम्स इनटू अ पिक्चर, बिकॉज In 2007 and 8, there was a subprime crisis in USA. Subprime crisis बोले तो subprime borrowers को US के बैंकों ने लोन दे दिया था। Subprime borrowers कौन होते हैं? That is the people without capacity to repay the loan. Okay. So इसका result क्या हुआ? Economic downturn, economic डूब गई, ठीक है? Downfall हो गया. Okay. So to prevent such crisis in future, इस तरह के crisis से बचने के लिए there is need some common banking regulation. Okay. Across the globe, पूरी दुनिया के लिए कॉमन बैंकिंग रेगुलेशन की जरूरत है, तो इस वजह से फिर बेसल नॉर्म्स आए। तो बेसल नॉर्म्स ने एक चीज इजाद की जिसका नाम है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी कुछ कैपिटल आपको रिजर्व रखनी है, किस कैपिटल एडिक्वेट रखनी, सॉरी कैपिटल आपको रिजर्व रखनी है कुछ कैपिटल, ओके, इसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज टोटल फ्री कैपिटल ऑफ ए बैंक इन टायर 1 एंड टायर 2 डिवाइडेड बाय द टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। टोटल फ्री कैपिटल कौन सी होती है, वो बैंक की अपनी मनी होती है, वो किसी डिपॉजिटर की मनी नहीं होती, दैट इज बैंक ओन मनी, बैंक के सारे प्रॉफिट, बैंक ने जो अर्निंग्स की हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी इक्विटी, ठीक है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, बैंक के प्रेफरेंशियल्स, बॉन्ड्स, ओके। देन टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स TRWL बोले तो इट कंसिडर्स द क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, ओके। And this ratio, ये ratio किस लिए use होती है? Basically, but obvious to protect the depositor, जो पैसे बेचारे जमा करा रहे हैं, कल को उनका पैसा ना डूब जाए तो वहां से पैसे आ जाएंगे, okay? So this ratio is basically used to protect the depositor and promote the stability and efficiency of a financial system around the world, okay? चलो ना आगे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? Clear है? शुक्र अल्लाह का। चलो आगे, चलो। टायर वन कैपिटल कौन सी होती है? इट्स अ प्राइमरी फंडिंग सोर्स ऑफ द बैंक, प्राइमरी फंडिंग सोर्स ऑफ द बैंक, ओके। दैट्स अ प्राइमरी इंडिकेटर टू मेक टू मेजर बैंक्स फाइनेंशियल
दैट इज अ कोर कैपिटल. कोर कैपिटल इट कंसिस्ट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी, जिन लोगों ने बैंक में फंडिंग की हुई है, ठीक है, जिनका बैंक है, एंड रिटेन्ड अर्निंग, जो अर्निंग रिटेन रखी हुई है, ओके, रिजर्व रखी हुई है, यू कैन से, ओके. इट होल्ड्स नियरली ऑल ऑफ द बैंक्स एक्युमुलेटेड फंड्स, जितने भी बैंक के फंड्स आते हैं, ठीक है, वहां पे टायर वन कैपिटल में रखे हुए हैं. एंड दीज फंड्स जनरेटेड स्पेसिफिकली टू सप्लीमेंट बैंक्स व्हेन लॉसेस आर एब्जॉर्ब्ड, सो दैट रेगुलर बिजनेस फंक्शन डू नॉट हैव टू बी शट डाउन, ताकि जो नॉर्मल काम है बैंक का वो एकदम से बंद ना हो. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज टायर टू कैपिटल. इट इज ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंटरी कैपिटल. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट नो नीड टू dwell into these definitions, ठीक है, आपका बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है इसमें. आपको फिर भी अगर क्यूरोसिटी हो रही है, कुछ बच्चे होते हैं कईयों में बहुत ही ज्यादा क्यूरोसिटी होती है, अरे नहीं यार आज इन्होंने मुगल दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया या मुगल एरा के बारे में बताया, तो हम तो अकबर के बारे में पढ़ेंगे. भाई पूरा पढ़ेंगे, अकबर जब पैदा हो रहा था उस वक्त बारिश आ रही थी या नहीं आ रही थी, उस वक्त धूप निकल रही थी, क्या था, कई बच्चों को होती है, ठीक है. सो यू कैन रीड टू एनहेंस योर जनरल नॉलेज. ओके sir, BIS and Basel norms was not of much importance when initially formed in 1988 because we see subprime crisis in 2000. हाँ, initially importance नहीं दी थी श्रुति, सही कह रहे हो आप, क्योंकि उस वक्त इतना ज्यादा NPS वगैरह की problem नहीं थी, ठीक है, और उस वक्त कोई तवज्जो भी नहीं दिया था किसी ने, ठीक है. But eventually जब 2007-8 में बहुत ज्यादा crisis हो गया ना, जैसे कि crisis, अब एकदम से तो नहीं crisis होता, धीरे धीरे होता है ना crisis, मतलब धीरे धीरे बैंक ने लोन देने शुरू करे, करते 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 इतनी ज्यादा सिचुएशन आ गई कि 2007-8 में इकोनॉमिक डाउनफॉल होगी, ठीक है. तो यू कैन से दैट इट इवेंचुअली गॉट द इम्पोर्टेंस, द बेसल नॉर्म गॉट इम्पोर्टेंस आफ्टर द 2007-8. ओके, दिस इज योर क्वेश्चन, आई सपोज आई एड्रेस इट राइटली. श्रुति, are you there? Shruti, sogi? Achha, okay sir. Okay, I'm done. Shall we move forward? Agar doubt lagega to YouTube se dekh lenge. Okay. Anyways, so it is less reliable the tier 1 capital, okay? Because it is more difficult to calculate and liquidate, as I already told you. So generally, but हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में टायर वन कैपिटल कंसिडर किया, ठीक है, जस्ट टू मेक यू सेंसिबल न्यूमेरिकल, ओके, ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ यार ये इस तरह कैलकुलेशन हुई है, ठीक है. सो बेसल नॉर्म्स जो कि स्टिपुलेट किए हैं 10.5%, ठीक है, पहले 8% थे, अभी 10.5% कर दिए. RBI ने 9% कहा था कि इंडियन बैंक्स को 9% मेंटेन करने होंगे, ठीक है, अभी 2023 की डेट दे दी है, 1 जनवरी 2023, ठीक है. तो इसका वो बताया था, निचोड़ बताया था कि अगर बैंक के पास सपोज 100 करोड़ रुपया मनी है लोन देने के लिए, ठीक है, तो उसको उसमें से 9%, जैसे सपोज अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% हुई, तो उसको 9% यानी 9 करोड़, 100 करोड़ का 9% 9 करोड़ रिजर्व रखने हैं, ठीक है. और रिस्क वेटेड एसेट्स किस लिए होते हैं, बेसिकली यूज टू डिटरमाइन द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल That must be held by the banks and other institutions to reduce the risk of insolvency. ठीक है, ताकि कल को दिवाला निकलने की सिचुएशन ना आए. एग्जाम्पल हमने किया था, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, सपोज देयर वाज अ टायर वन फंड्स वाज 10 करोड़ एंड टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स वाज 2 करोड़, देन टोटल कैपिटल एडिक्वेसी वुड बी 5 करोड़ रुपीज. ओके, but we have to maintain this 10.5%, ठीक है, but this is 5 crore, ठीक है, 5%, ठीक है, but you have to but banks have to maintain the 10.5%, just keep this thing in your mind, ठीक है. आपको numerical नहीं आएगा, आपको सिर्फ ratio पूछेगा, और आपसे ये पूछ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि 10.5% क्या है, अभी क्या चल रही है capital adequacy ratio, okay. के बाद हमने पढ़ा क्रिटिसिज्म की नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं इसके. आरबीआई के पास ऑलरेडी बैकअप मैकेनिज्म है CRR SLR, और उसने कहा कि वन शूज डज नॉट फिट फॉर ऑल. जरूरी नहीं कि अमेरिकन बैंक्स ने ऐसा कि इंडियन बैंक्स भी ऐसा करेंगे. वो पैसा नीडी कस्टमर्स को दिया जा सकता है या बिजनेसमैन को दिया जा सकता है, ठीक है.
सेक्शन नंबर 7, ये एक वैसी इंफॉर्मेशन के लिए डाल दिया यहाँ पे कि दैट आरबीआई एक्ट का सेक्शन नंबर 7 इंपावर करता है गवर्नमेंट को, ऐसे बोले तो सच एज ओके, सेक्शन 7 ऑफ द आरबीआई एक्ट इंपावर द गवर्नमेंट टू इश्यू डायरेक्शंस टू द आरबीआई गवर्नर, ठीक है। प्रोज क्या है इसके लिए, इट एब्जॉर्ब्स अप्स एंड डाउन, जो सी चीज हाईलाइट है वो मैंने हाईलाइट की हुई है, जो मेन है मुद्दे की बात है, इट इंप्रूव द रिस्क मैनेजमेंट एबिलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ बैंकिंग सेक्टर, ओके, इट स्ट्रेंथन द बैंक्स ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, ओके। जैसे कि अभी पीछे बताया था इनसॉल्वेंसी केस आया था यस बैंक में, इट मे टाइटन द क्रेडिट मार्केट, ठीक है, एंड वाइडन द इकोनॉमिक पेन। So this is all about Basel norms. Is there any doubt, any question, any query? Is there any doubt, any question, any query? All done. Then we can take some apples. You can also take. Shall we take a small break? हाँ जी कर लो, तुम भी खा लो दो मिनट, इसे लास्ट वाली स्लाइड चलो। वेरी गुड, न्यूज़पेपर के नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे? जहां मैंने आपको बताया था नहीं बना रहे, वेरी गुड, न्यूज़पेपर के नोट्स बनाओ यार, न्यूज़पेपर के नोट्स बनाओ भाई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ो मत बेटा। इस एग्जाम में क्लासेस बहुत ज्यादा होती है, कर लो आप बात, करो मैनेजमेंट से पूछो, क्लास के नोट्स कंप्लीट हो जाए बहुत है। अच्छा जी, क्यों जी जाना है आपको कहीं देवी जी? अभी तो एनबीएफसी पढ़ाएंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी, द हिंदू जी बनाओगे, दैनिक भास्कर से थोड़ी बनाओगे। अरे यार मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन होगी, एक सेकंड चार्जिंग पे लगा दो। बुक पचास बार बता चुका हूं, बुक को कोई बच्चा यार बुक बता दो उनको, कोई बच्चा बुक बता दो यार। अरे एनसीईआरटी भी लिख दिया करो यार, पर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होता मोबाइल वो एनआरईआरटी पता नहीं क्या लिखा। आपने सर मुझे कहा कि 9 बजे मैसेज करना, टॉपिक सेंड किया था मैंने, साढ़े क्लास क्लास शुरू हो जाती है, मैंने इसलिए मैसेज नहीं किया आपको। किसका मैसेज समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हो ज्योति का, मेरे को समझ नहीं आया क्या बोला आपने। अरे ऐप वैप डाउनलोड से कुछ नहीं होता मेरे भाई, चलो ठीक है आपको पढ़ना है ऐप से पढ़ लो, बट
आपको अच्छा न्यूज़पेपर की रिगार्डिंग आप मेरे को मैसेज करना, मैं देखूंगा, मैसेज करना, मैं देखता हूँ। ओके सर, करंट अफेयर कैसे करने हैं? करंट अफेयर भाई साहब मैंने आपको बताया था क्लास में कि आपको हर सब्जेक्ट के अलग से नोट्स बनाने हैं, पॉलिटी के ऐसे इस तरह की फाइल्स आती है ना, दिखाया भी था यार आपको मैंने। ऐसी फाइल्स आती है ना, ऐसी फाइल्स, ऐसी पॉलिटी की ले लो, एक इकोनॉमिक, हाँ क्लियर बैग बिल्कुल सही फरमाए, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, इंटरनेशनल रिलेशन के, साइंस एंड टेक की, ठीक है। क्या कह रहे हो, यूपीएससी का पेपर इंग्लिश और हिंदी कौन इज अ गुड से लैंग्वेज आएगा? समझ नहीं आया सर क्या बोला आपने, बहुत अच्छी बात है जी, बने बनाई खिचड़ी खाओ फिर। जीडीपी कंट्रैक्शन रेजेस फ्लैग्स रिकॉर्डिंग, अच्छा 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 ठीक है ठीक है, मैंने पढ़ा था। मैं आपको करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें वो कह रहा है कि सिंपली कि जीडीपी हम डिस्कस करेंगे, कोई नहीं, मैं आपको मैसेज करूंगा, ठीक है, मेरे को एक बार ना मैसेज ड्रॉप कर देना ताकि मेरे को ध्यान रहे, ठीक है। हाँ FCR फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के, हाँ हाँ था वो क्रिश्चियंस वाला था आई थिंक, है ना। एक्चुअली जब हम फॉरेन, अगर आपको अभी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है वो न्यूज को देखने की, मैं ना एक वीडियो है FCRA के ऊपर, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो देखें तो उससे आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आता आप मेरे को एक बार मैसेज कर देना ताकि मेरे को रिमाइंड रहे कि आपको वो FCRA वाली वीडियो मेरे को वो करनी है। ओके हाँ, मेरे को एक बार व्हाट्सएप जरूर कर देना कि सर आपने भेजनी है, मेरे को ध्यान रहे ताकि। ठीक है, और ग्रुप में नहीं सेंड करूंगा यार मैं, हम अभी क्लास में डिस्कस करेंगे वो FCRA के बारे में, क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी उनको क्यूरियोसिटी हो रही है इसलिए उनको बता रहा हूँ, अगर किसी को होगी तो यू कैन मैसेज में। इंटर अफगान के ऊपर आया था सर हिंदू में कुछ, तो आप मेरे को मैसेज करना मैं देख के बताऊंगा। आप न्यूज पढ़ो अपने से, आपको लगता है कि नहीं समझ आ रही है कुछ भी क्वेश्चन है न्यूज पेपर के रिगार्डिंग, आप मेरे को मैसेज करो बस, जब भी मैं फ्री होऊंगा, रात को जनरली मैं 10 बजे के बाद फ्री होता हूँ, 10 बजे मैं जिम से आता हूँ, 11 बजे के बाद मैं पढ़ना बैठता हूँ, ठीक है, तो 11 बजे के बाद मैसेज कर देना, मतलब 11 बजे से पहले मैसेज कर देना, 11 बजे के बाद मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके बाय, बट ठीक है जब भी फ्री हो गए आप कर देना, मैसेज कर देना, मैं आपको आराम से रिप्लाई कर दूंगा जब भी मैं फ्री होऊंगा। ओके हाँ जी हाँ जी, तो चलें अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें, चलो। तो जैसे कि आपने काफी सारी टर्म्स में क्लास में बोलता रहता हूं, तो उसमें से एक टर्म ये भी सुनी होगी, NBFCs, ठीक है। NBFCs का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नाम से पता चल रहा है, कुछ समझ आ रहा है कुछ? नॉन बैंकिंग का मतलब बैंक की तरह नहीं हो जो, है ना, फाइनेंशियल कंपनी जो फाइनेंस में पैसा देती है, सिंपल है। हाँ LIC बताया था मैंने क्लास में, है ना, तो दिमाग की खिड़कियां खोल के बैठना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है।
IMF कहां से आ गया यार, कहां से पढ़ रहे हो आप, कहां से ज्ञान आ रही है, IMF कहां से आ गया यार। एनीवेज तो अपने ज्ञान चक्षु खोल लेना सभी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं, जैसे कि आपको इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम इट्स नेम दैट इज समथिंग विच इज विच इट्स फंक्शन इज नॉन बैंकिंग। नॉन बैंकिंग मतलब जिसका बैंक के जैसे फंक्शन ना हो, ठीक है, बट वो फाइनेंस करती है, बैंक भी फाइनेंस करता है बट बैंक के कुछ और फंक्शन है, ठीक है, बट इनके भी फाइनेंस, ये भी फाइनेंस करते हैं बट इनके फंक्शन जो कि है वो नॉन बैंक है, ठीक है, मतलब बैंक की तरह फाइनेंस नहीं करते, तो कैसे करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो कंपनी विच प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज विदाउट मीटिंग द लीगल डेफिनेशन ऑफ ए बैंक, ठीक है, जो बैंक की लीगल डेफिनेशन है उसको बिना मीट किए बैंकिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करें उन कंपनीज को कहते हैं फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। अब कंपनीज वर्ड जुड़ गया तो जाहिर सी बात है कौन से एक्ट के अंदर आएगी, अंडर कंपनीज एक्ट 1956, 1956 कंपनीज एक्ट के अंदर आती है ये एनबीएफसी। सपोज अगर आपको एनबीएफसी खोलनी है देन यू हैव टू रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट 1956, और बैंक किसके अंदर रजिस्टर होते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1940, जल्दी बताओ भूल तो नहीं गए, 1949, शुक्र है अल्लाह का, ठीक है आ जाओ। अरे क्या बात है, रवीना टंडन जी भी आई हुई हैं, वाह जी वाह। मतलब मेरी क्लास में काफी सारे बच्चे, मतलब फिल्म स्टार्स वाले नाम है ना, रवीना, ऋतिक, नूर, विक्टर, कुछ बच्चों के नाम मेरे को याद हो गया, एक सोफिया। एनीवेज एक दो बच्चे हैं उनके अजीबोगरीब सवाल होते हैं, ठीक है, चलो खैर बच्चे बुरा मान जाते हैं, अब उनका नाम लेता हूँ। एनीवेज कम टू द टॉपिक, सो कंपनीज विच प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज विदाउट मीटिंग द लीगल डेफिनेशन ऑफ ए बैंक, ठीक है, बैंक की जो लीगल डेफिनेशन है दैट कम्स अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो जैसा कि नाम में कंपनीज है तो किसके अंदर रजिस्टर होंगी, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर, ओके, एंड दे वर्क देयर वर्किंग एंड ऑपरेशंस रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, ठीक है। कुछ एनबीएफसीज को रेगुलेट करता है आरबीआई और कुछ को रेगुलेट करती है अदर बॉडीज, वो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी है। सो डिजायरियस ऑफ कमेंसिंग बिजनेस ऑफ एनबीएफसी, अगर आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी खोलनी है, ठीक है, तो उसके बिजनेस के बारे में, ठीक है, किसमें मेंशन है, अंडर सेक्शन 45 क्लॉज 1 क्लॉज ए ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी आरबीआई एक्ट का कौन सा सेक्शन पढ़ा था, जिसमें एम्पावर करता है गवर्नमेंट को टू सेक्शन नंबर 7, वेरी गुड मैम, वेरी गुड, एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि कोई भी डायरेक्शन दे, किसको, आरबीआई गवर्नर को, ठीक है। और अभी हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 45 का क्लोज 1 क्लोज ए पढ़ा आरबीआई का, ठीक है, जिसमें एनबीएफसी इंस्टीट्यूशन है उसका जो बिजनेस है, बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं वो सब डिफाइंड है किसमें, सेक्शन 45 क्लोज 1 क्लोज ए, ओके। दोबारा बताते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि सेक्शन आरबीआई का जो सेक्शन नंबर 45 क्लोज 1 क्लोज ए है आरबीआई 1934 का, उसके बीच में एनबीएफसी के इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा बिजनेस कमेंस कर सकते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ, विस्तार पूर्वक लिखा हुआ, ओके, यू कैन रीड इट। और वर्किंग आपको पढ़ना है सिर्फ, अगर ज्यादा ही आप घुसना नहीं है अंदर, समझ रहे हो, वर्किंग ऑपरेशंस जो है इसके रेगुलेट करता है कौन, आरबीआई, ठीक है, कुछ के आरबीआई करता है कुछ की बाकी बॉडीज करती है, वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ एनबीएफसी रेगुलेटेड बाय डिफरेंट रेगुलेटर्स, अलग अलग लोग, अलग अलग बॉडीज रेगुलेट करती है एनबीएफसी को, जैसे कि आरबीआई, IRDA, that is Insurance Regulatory Development Authority of India, yeah, SEBI, that is Securities and Exchange Board of India, and the National Housing Bank, Department of Company Affairs, okay। तो ये कुछ regulators हैं,
कौन से रेगुलेटर्स कौन सी एनबीएफसी रेगुलेट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये समझ आया? सिंपल है यार, ये समझ आया? मुस्कान जी दोबारा रिपीट करें। पॉइंट वन, अच्छा वो कहता है कंपनीज विच प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज, जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बैंकिंग सर्विसेज लाइक लोन पे पैसे देना, फाइनेंस पे पैसे देना, ठीक है, बट विदाउट मीटिंग द लीगल डेफिनेशन ऑफ ए बैंक। क्योंकि लीगल डेफिनेशन है बैंक की वो किसके अंदर है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर, ठीक है। तो वो कहता है कि ये कंपनी आती है कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर, ठीक है, ये रेगुलेट करता है आरबीआई, बट कुछ को रेगुलेट आरबीआई करता है, कुछ को डिफरेंट रेगुलेटर्स करते हैं, जैसे कि आईआरडीएआई, सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर, ठीक है। तो जो एनबीएफसी जो बिजनेस करती है वो सब किसके अंदर डिफाइंड है, सेक्शन 45 क्लोज 1 क्लोज ए ऑफ द आरबीआई 1934 में। क्लियर है सर? IRDAI लिखो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, मेरे फुल फॉर्म IRDAI है, IRDAI भी लिखा होता है कहीं जगह, IRDAI भी होता है, लिख लो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आई थिंक यही है, एक बार चेक कर लेना गूगल पे, वैसे तो यही है मेरे ख्याल से। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये तो पता ही हो गया, सेबी के बारे में तो काफी सारी न्यूज वगैरह भी आती रहती है। चलें आगे, चलें, हाँ जी मोदी जी चलें, क्या हुआ जी, वह कार्तिक आर्यन भी आया हुआ, सारे कलाकार एक साथ, गिलप्रीत, तो एनबीएफसी को रेगुलेट करने के लिए काफी सारी बॉडीज हैं, जैसे कि मैंने बताया कुछ को आरबीआई करती है और कुछ को बाकी बॉडीज करती हैं। बाकी बॉडीज कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी एनबीएफसी रेगुलेट करती हैं वो देखेंगे। तो आरबीआई उन एनबीएफसी को, उन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को रेगुलेट करता है जो कि डील करती हैं, दैट डील्स विद लेंडिंग और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जो लेंड करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल लीजिंग, जो लीज पे फाइनेंस कर, जो लीज पे पैसा देती हैं, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक एटसेट्रा, ठीक है, जो शेयर या स्टॉक को एक्वायर करती हैं, ठीक है। सेबी किनको रेगुलेट करता है, इट रेगुलेट एनबीएफसी डील विद स्टॉक ब्रोकिंग, स्टॉक मार्केट पता होगी ना आपको, सुना होगा काफी, और मर्चेंट बैंकिंग एटसेट्रा, ठीक है। IRDAI नाम से क्लियर है, जैसे मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कौन सी एनबीएफसी को डील रेगुलेट करेगी, बेसिकली इट्स एन एपेक्स बॉडी ओवरसीइंग इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, जो भी इंश्योरेंस बिजनेस, जैसे सपोज LIC को कौन रेगुलेट करता है, करेगा IRDAI, ठीक है, वेरी क्लियर फ्रॉम इट्स नेम। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, ये रेगुलेट करेगी उन एनबीएफसी को, जैसे कि निधि एंड चिट फंड्स कंपनी, ठीक है, छोटी छोटी होती है ना पूंजी निवेश की कंपनियां होती हैं, आपने सुना होगा इस तरह की कंपनियां। फिर आती है नेशनल हाउसिंग बैंक्स, इट रेगुलेट एनबीएफसी, जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है वो किस कैटेगरी की कंपनीज को रेगुलेट करती है, आरबीआई किनको रेगुलेट करती है, जो लैंड कर रही है यानी उधार दे रही है या एक्सेप्ट कर रही है डिपॉजिट्स, या फिर फाइनेंशियल लीजिंग पे पैसा दे रही है, दैट डील्स विद स्टॉक ब्रोकिंग, मर्चेंट बैंकिंग एटसेट्रा, ओके। उसके बाद आती है IRDAI, एपेक्स बॉडी है दैट ओवरसीज इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया,
डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर रेगुलेट एनबीएफसी रिलेट लाइक निधि एंड चिट फंड्स, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक इट रेगुलेट एनबीएफसी दैट इज रिलेटेड टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है, तो होम लोन वगैरह पे इस पे फाइनेंस देती है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट नेम्ड एज नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, इतना समझ आ गया, सिंपल है। आगे जाए आगे चलें, चलो जी सिंपल है, इसमें तो रट्टा मारना। अरे जमा पूंजी निवेश वाली कंपनी होती है तो सुना होगा ना आपने, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, इस तरह की सुनी है, एड सुनी है, टीवी में सुनी होगी आपने, चिट फंड्स होते हैं ना ऐसे फटाफट बोलती है वो लाइन है, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट बिफोर केयरफुली इन्वेस्टिंग, इस तरह फटाफट बोलती है, सुनी होगी, हाँ वही वाली देव जी। सो एनबीएफसीज रेगुलेटेड बाय अदर रेगुलेटर्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू are exempted from the requirement of registration with RBI. वो कहते हैं कि हाँ मुथूट फाइनेंस इसके सामने, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही पकड़ो सर, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। तो NBFCs जो कि दूसरे रेगुलेटर रेगुलेट करते हैं उनको जरूरत नहीं है RBI के पास रजिस्टर होने की, ये चीज ध्यान रखो, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है NBFCs regulated by other regulators are exempted from the requirement of registration with RBI. But they need to register with their respective regulator. For example, an insurance company would suppose to be registered with IRDA. ठीक है? They no need to register with RBI. ठीक है? RBI के पास register करने की ज़रूरत नहीं है because it already registered with IRDA. Okay? Example जैसे कि यहाँ पे लिखा है वाजीवा example भी मैंने वहीं बोला जो नीचे लिखा है insurance company need to hold a certificate of registration with IRDA. Okay? Very simple. तो ये कुछ कंपनीज हैं, ओके, कुछ एनबीएफसीज हैं, इसमें हमने इंश्योरेंस जैसे कंपनीज हैं वीआईआरडीए के अंदर रजिस्टर हैं, जैसे कि एगोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके नाम रटने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग, ओके। बजाज अलियांस इसका नाम सुना होगा, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस, बिरला सन लाइफ, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा, LIC, Life Insurance Corporation of India, okay. तो ये काफी सिंपल है, ठीक है, जाहिर सी बात है, इंश्योरेंस कंपनी have to register under IRDA, ठीक है, they no need to register with RBI. Just keep this thing in your mind. ये NBFCs हैं, जैसे IIFL, very famous company, very famous IIFL, इसका हम एक केस स्टडी भी बताएंगे, इसकी इंडिया में 169 ब्रांचेस हैं, 169 IIFL, वेरी फेमस कंपनी, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। इसका 2018 में कुछ क्राइसिस की सिचुएशन आ गई थी, वो डिस्कस करेंगे हम एनबीएफसी क्राइसिस के बारे में, जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हो LIC, रिलायंस हर जगह घुसा हुआ है, मतलब जो काम उठा के देखोगे रिलायंस जरूर मिलेगा आपको। तो आप भी सभी अंबानी वाला दिमाग लगाओ। सो एनीवेज, सो हियर वी इतना ही था एनबीएफसी के बारे में, ठीक है। एनबीएफसी और बैंक में क्या फर्क होता है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है मेंस में, इवन कि आपके प्रीलिम्स में भी आया हुआ है कि एनबीएफसी से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है, और यू कैन से डिमेंशन लाइक दिस कि कैटेगराइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू एनबीएफसी और बैंक्स, या आपको मैच द फॉलोइंग दे देगा या कुछ भी ऐसा कुछ, ठीक है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है। तो एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस है, द फर्स्ट डिफरेंस इज इट प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू पीपल बट विदाउट होल्डिंग अ बैंक लाइसेंस। बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ना, एक तरह से फाइनेंस पे पैसा दे रही है, पैसा दे रही है आपसे, पैसा ले रही है, ठीक है, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही है बट
विदाउट होल्डिंग अ बैंक लाइसेंस, जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, विदाउट, देखे ना हाईलाइट पेपर में आपको विद दे देगा, विद विद होल्डिंग अ बैंक लाइसेंस, ठीक है। अब हमें ये वर्ड्स इसलिए पता है कि एग्जामिनर किन किन वर्ड्स को टेस्ट कर सकता है, जस्ट बिकॉज वी गेव सो मेनी मॉक टेस्ट, ओके, दैट्स व्हाई वी नो कि दिस इज हाउ द एग्जामिनर सपोज टू फ्रेम द क्वेश्चन, ओके। सो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द हाईलाइटेड वर्ड्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड द इन बैंक्स दे वर ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, their aim is to provide the banking services to the general public, okay. They were registered under Companies Act 1956, we already discussed, and they were registered under Banking Regulation Act 1949. Very simple, ye to mere hisab se dimag mein chhap jana chahiye aapke, theek hai. The next one is NBFC is not a part of payment and settlement system, and the banks were an integral part of payment and settlement system. There was a system named as payment and settlement system, that is you have to pay to your bank and they were settling down the that deposits and all the loans and all, okay. So they were became an integral part of payment and settlement system, okay. There is a system named as payment and settlement system, but they were not a part of payment and settlement system on NBFC, okay. They were not required to reserve ratio for maintenance, ठीक है, जैसे कि उसमें होता था ना banks में कि compulsorily CRR cash reserve रखना है, SLR liquid assets में reserve रखना है, याद है ना, भूल तो नहीं गए भाई, दिवाली पे करवाए थे, भूल तो नहीं गए, याद है ना कराए थे कुछ CRR SLR आ रहा है, हल्का सा धुंधला से याद आ रहा है, तभी कह रहा हूँ शंख कुछ भी पी लिया करो। शुक्र है अल्लाह का, अरे छा गए सर, छा गए, याद है। उसके बाद हाँ हाँ आ जाओ, समझ गए, आ जाओ। और क्या डिफरेंस है, एनबीएफसी इज नॉट एक्सेप्टेड द डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, आपने सपोज आज 500 रुपए जमा कराए, कल आपको याद आएगा कि अरे भाई मेरे को तो 500 रुपए की जरूरत है, मेरे को तो सेब लेके आने सर ने कहा, और सेब हो रहे हैं महंगे, 100 रुपए किलो है, तो 5 किलो सेब ले आता हूँ तो 500 रुपए ले आता हूँ बैंक से। तो आप जाओगे बैंक में, वाउचर भरोगे, वाउचर होता है ना, वाउचर समझते हो, वो भरते हो उसमें पैसे कितने निकालने बैंक में से, वाउचर देते हो बैंक को, बैंक आपको 500 रुपए निकाल के देता है। तो यानी आप बैंक से डिमांड करोगे भैया, इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, समझिए, जो डिपॉजिट करके आप कभी भी डिमांड करो कि भैया मेरे पैसे निकालो, मेरे पैसे हैं, मेरे खून पसीने कमाई है, ठीक है। तो एनबीएफसी में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, एज जैसे कि लिखा हुआ दे नॉट एक्सेप्टेड द डिमांड डिपॉजिट, ओके, और बैंक एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। सर जी बस करो, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, खत्म होने वाला, अरे मेरे को बड़ी गलत बात लगती है, बच्चे नींद वींद कहां से आ जाती है तुम्हारे को, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आज तो 3 बजे तक लगी क्लास तुम्हारी, आधे बच्चों ने शट डाउन ही कर दिया होगा 3 बजे का नाम सुन के। यार हमारे को हम लोग हमारी भी 2.5 घंटे की सर रात को चैट करते हैं, दिन में सोते हैं सब, सही बात कह रहे हो। देखो यार थोड़ा सा रह गया, ऐसे मत करो यार, वैसे कहते तो हमारी की सर आपकी क्लास में बोर नहीं होते, अभी बोर हो रहे हो, बट सर आपने टाइम पहले ही बताया है यार, इतनी टैलेंट ये क्या घड़ी बना दी है क्या भाई, अरे मेरे भाई आप तो बिल्कुल, हाँ मैं, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, टेंशन ना लो, 2 बजे तक ही पढ़ाऊंगा, उससे पहले ही छोड़ दूंगा, बल्कि टेंशन लो, आ जाओ प्लीज।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनबीएफसी नॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट, जैसे कि आप मुंह उठा के बैंकों में चले जाते हो तो एनबीएफसी में नहीं जा सकते, सिंपल सी बात है शुद्ध भाषा में, ठीक है। बट बैंक्स एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट, बैंक एक्सेप्ट करते हैं डिमांड डिपॉजिट, ओके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है फॉर अप टू 100%, यानी कि पूरी 100% तक अलाउड है, मतलब बाहर से एनबीएफसी आ सकती है और हमारे देश में एक कंपनी खोल सकती है, फाइनेंस कंपनी, ठीक है, पूरी अलाउड है, ठीक है। बट बैंक्स में मतलब उसका 100% वो होगा, रोल होगा, स्टेक होगी, ठीक है। बट बैंक्स में इट अलाउड अप टू 74% फॉर द प्राइवेट सेक्टर बैंक, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ही 74% अलाउड है, याद रखना। 74% का मतलब क्या होता है कि 74% का जो मैनेजिंग कंट्रोल है वो होगा फॉरेन कंपनी का, और बाकी का जो रिमेनिंग 26% है वो इंडिया की कंपनी होगा, ओके, इंडियन बैंक्स को, ये समझ आया? उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से अपना खोपड़ा खोल के बैठो। एनबीएफसीज डू नॉट क्रिएट क्रेडिट। क्रेडिट क्रिएट कैसे होता है, कोई बताएगा मेरे को? मेरी तरफ से उसको पिज्जा पार्टी। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है, बच्चे फटाफट गूगल रहे हैं, जिसने पहले बता दिया बस फटाफट। फ्रॉम प्राइमरी डिपॉजिट, अच्छा जवाब दिया हरसिमरत कौर ने, अमाउंट रिजर्व, किसी कस्टमर ने जैसे जमा कराते हैं बैंक में, लोन देना, क्रेडिट कार्ड मिलते हैं बैंक से, कुछ भी क्रेडिट कार्ड मिलते हैं बैंक से, बाय डिमांड डिपॉजिट एंड सी आर आर, नहीं फिर बैंक किसी निजी कस्टमर को लोन देते हैं। यस सर, बैंक जो डिपॉजिट लेता है वो आगे लोन दे देता है और उससे इंटरेस्ट जनरेट करता है, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ो सर, बहुत जबरदस्त। डिपॉजिट बस आ जाओ, वेरी गुड, तनु बहुत सही बोला। देखो क्रेडिट क्रिएशन कैसे होती है, अभी आपको बताएंगे इसके बारे में विस्तार पूर्वक, चलो बता ही देते हैं, ये बाद में बताएंगे यार, बीच में ना फिर ये लैट उड़ जाएगी। अभी इतना समझ लो, हम लोग बैंक में पैसे जमा कराते हैं, जैसे सपोज हमारे जैसे 100 लोग हैं, 100 लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए जमा कराया बैंक में, 100 करोड़ रुपए हो गए बैंक के पास। अब वो 100 करोड़ रुपए बैंक लोन दे रहा है, ठीक है, उसमें से कुछ पैसा रिजर्व रखे, कुछ पैसे का लोन दे रहा है, ठीक है। अब उसको पता है बैंक को कि यार ये तो है नहीं कि भाई आज लोगों ने 100 करोड़ रुपए जमा कराए कि कल अगले दिन ही 100 करोड़ रुपए निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो उस पैसों में से कुछ पैसों का वो लोन दे देंगे, ठीक है। अब वो लोन कैसे देते हैं, अब सपोज आप बैंक में लोन लेने जाते हो ना, सपोज आपने कहा कि यार मेरे को 5 लाख का लोन चाहिए, तो ये नहीं कि वो आपके हाथ में 5 लाख रुपए दे देंगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। वो हर महीने कुछ कुछ पैसे डालते हैं आपके अकाउंट में, ठीक है। अब वो पैसे क्या होते हैं, एक डिपॉजिट फॉर्म में होते हैं, वो कोई कैश फॉर्म में थोड़ी होते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि हमारे जैसे लोगों ने पैसे जमा कराए, और उस पैसे से जो हमने पैसे जमा कराए उसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, जैसा कि मैम ने बताया, ठीक है। और उस पैसों से आगे फर्दर लोगों को लोन देना, ठीक है, यानी कि पहले जो प्राइमरी डिपॉजिट थे जो हम लोगों ने जमा कराए, आम लोगों ने जमा कराए 1-1 करोड़ रुपए, उसको आगे लोन बना देना, और उस फिर लोन देंगे, उस लोन से फिर आगे इनकम जनरेट होगी किसको, बैंक को, यानी प्रॉफिट होगा, यानी पैसे से पैसा बनना, इसको बोलते हैं भाई पैसे से पैसा बनना, समझ रहे हो? नहीं सर, वो अलग चीज होती है, मल्टीप्लायर इफेक्ट अलग चीज होती है सर, वो हम डिस्कस करेंगे, ये अलग चीज है, इसको कहते हैं पैसे से पैसा बनना, ठीक है, यानी क्रिएट क्रेडिट, क्रेडिट लोन क्रिएट करना। लोन कैसे क्रिएट होगा, हमारे से पैसा लिया और हमारे पैसे को आगे दे दिया, समझ रहे हो? तो वो कहता है एनबीएफसी ऐसा नहीं करती, एनबीएफसी डोंट क्रिएट क्रेडिट बट बैंक्स क्रिएट क्रेडिट, मनी क्रिएट, मनी क्रिएशन नहीं सर, क्रेडिट क्रिएशन की बात हो रही है, मनी क्रिएशन की बात नहीं हो रही सर, उसको कह सकते हो, बट जो टर्म है वो टू बी वेरी प्रिसाइज वो क्रेडिट क्रिएशन ही यूज होगी, ओके सर। तो ट्रांजेक्शन सर्विसेज नॉट प्रोवाइडेड बाय एनबीएफसी, एलएसी के दफ्तर में आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, बट
बैंक्स में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ट्रांजेक्शन आप पैसे लो पैसे दो, इसको कहते हैं ट्रांजेक्शन, लेन देन करना। बैंक सॉरी एनबीएफसी कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन देमसेल्फ, ठीक है, एनबीएफसी वो चेक भी इशू नहीं करेगी, बट बैंक्स कैन इशू चेक्स, ओके, दे कैन एक्सेप्ट द टर्म डिपॉजिट्स मिनिमम टेन्योर 12 मंथ्स, 12 महीने का जो है वो टेन्योर होता है उसका टर्म डिपॉजिट्स का कम से कम। बैंक्स कैन एक्सेप्ट द टर्म डिपॉजिट्स, ठीक है, टर्म डिपॉजिट पढ़ते हो ना, फिक्स डिपॉजिट जो बचपन में करा देते हैं माँ बाप, ये मेरी बेटी बड़ी होगी तो उसकी 18 साल के बाद ये एफडी तोड़वा लेंगे, फिक्स डिपॉजिट होते हैं, टर्म डिपॉजिट जो पर्टिकुलर टर्म के लिए होते हैं, समझ रहे हो, तो मिनिमम टर्म डिपॉजिट होते हैं 7 दिन के लिए और मैक्सिमम होते हैं 10 साल के लिए, ठीक है। हाँ, और लास्ट में जो नोट करने वाली चीज है वो ये है that all NBFCs is not allowed to take deposits, jitni bhi NBFCs hai that is non banking financial companies hai wo allow unko allow nahi hai deposit lena, theek hai, ki bhi hum jaise hum banko mein jaate hain na deposit karate hain paise, theek hai, unko allow nahi hai, but sirf wahi NBFCs deposit le sakti hai jo RBI ke under wo hai registered hai, jaise ki yahan likha hua only those which have specific authorization from RBI are allowed to accept or hold the public deposits, ठीक है, इतना समझ आ गया। एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं जो बच्चे बीच में सो गए थे या जिनको नींद आ गई थी। जैसे कि हमने पढ़ा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, अब दिमाग खोल के बैठना, ठीक है, बिल्कुल एकदम गिलास पानी पी ले। दिमाग की बत्ती खोल के बैठना, मेंटोस खा के बैठना। देखो ध्यान से सुनो, देखो एनबीएफसीज क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मतलब कि जिनका काम तो है बैंक की तरह बट दे डू नॉट एक्ट एज बैंक, ठीक है, बैंक की सर्विसेज तो देती हैं बट दे डोंट हैव एनी लाइसेंस, जैसे कि बैंक के पास है लाइसेंस, ठीक है, बैंक लाइसेंस विदाउट मीटिंग अ लीगल डेफिनेशन ऑफ ए बैंक, ठीक है, जैसे कि बैंक के लिए स्पेशल उनकी डेफिनेशन है ना, लीगल डेफिनेशन अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बट दे आर कंपनीज, सो कंपनीज हैव टू रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, इट प्रोवाइड्स द बैंकिंग सर्विसेज बट विदाउट मीटिंग द लीगल डेफिनेशन ऑफ ए बैंक, इट कम्स अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, सम वर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, सम वर रेगुलेटेड बाय द डिफरेंट रेगुलेटर, जैसे कि IRDAI, SEBI, National Housing Bank और Department of Company Affairs, ठीक है। और NBFCs का अगर आप इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं उसके बिजनेस के बारे में किसके अंडर मेंशन है, अंडर सेक्शन 45 क्लॉज 1 क्लॉज ए ऑफ द RBI एक्ट 1934, ठीक है, वेरी सिंपल। आगे चलते हैं, NBFCs की कुछ रेगुलेटरी बॉडीज हैं जैसे कि RBI उन NBFCs को, उन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को रेगुलेट करती हैं जो कि डील करती हैं लेंडिंग और एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, ठीक है, फाइनेंशियल लीजिंग एक्विजिशन ऑफ शेयर स्टॉक्स एटसेट्रा, सेबी करती है स्टॉक ब्रोकिंग मर्चेंट बैंकिंग वाली एनबीएफसी को, IRDAI इंश्योरेंस वाली को, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, निधि एंड चिट फंड कंपनीज, ठीक है, कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट वाले वो निधि एंड चिट फंड, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये किसके कौन रेगुलेट करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर, ठीक है। उसके बाद नेशनल हाउसिंग बैंक बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को रेगुलेट करती हैं जो हाउसिंग लोन वगैरह देती हैं हाउस पे, ओके, तो ये एनबीएफसी इज रेगुलेटेड बाय द अदर रेगुलेटर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, ठीक है, और जाहिर सी बात है अगर वो ऑलरेडी किसी और रेगुलेटर के अंदर रजिस्टर है तो आरबीआई के अंदर थोड़ी रजिस्टर करेगी, अगर दो दो उसके रेगुलेटर हो जाएंगे तो आपस में क्लैशेज हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, तो दैट्स व्हाई दे are exempted from the requirement of the registration with RBI, but they need to register with their respective regulators. Okay, example, insurance company need to hold a certificate of registration with IRDAI, that is Insurance Regulatory and Development Authority of India. Okay, उसके बाद हमने insurance companies पढ़ी, NBFCs जैसे कि LIC पढ़ी, very famous, HDFC पढ़ी, Bajaj Alliance, Aviva, ठीक है, कुछ ये एनबीएफसी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, IIFL के बारे में, इसकी वजह से एनबीएफसी क्राइसिस हुआ था 2018 में, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, क्या कल ही करेंगे डिस्कस,
तो एनबीएफसी और बैंक्स में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस ये है दैट इट प्रोवाइड द बैंकिंग सर्विसेज टू पीपल विदाउट होल्डिंग अ बैंक लाइसेंस. जस्ट कीप दिस थिंग ऑन योर माइंड, विदाउट होल्डिंग अ, ओके. बट बैंक्स ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट, इट सेम इज टू प्रोवाइड द बैंकिंग सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक. आम जनता को एक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है. ये रजिस्टर होती है कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर, ये रजिस्टर होती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर, 1949 के अंदर. इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, बट इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम. इट डज नॉट रिक्वायर टू रिजर्व रेशियो फॉर मेंटेनेंस, बट देयर इज अ कंपल्शन फॉर द बैंक्स टू मेंटेन द सीआरआर एंड एसएलआर. वी डिस्कस्ड ऑलरेडी अबाउट द सीआरआर एसएलआर. कौन से टूल्स के अंदर आता है आरबीआई के? क्वांटिटेटिव के अंदर आता है या क्वालिटेटिव के अंदर आता है? देखिए भाई कौन देता है जवाब. वाह जी वाह, कार्तिक आर्यन जीत गया. क्वांटिटेटिव, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, छावे 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 छावे. द नेक्स्ट पॉइंट इज एनबीएफसी इज नॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट. एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करती कि आप बैंक में जैसे जाते हो मुंह उठा के कि मेरे 500 रुपए कल जमा कराए थे, 500 रुपए दे दो. एनबीएफसी कह रहे इस तरह की हरकतें हम नहीं सहेंगे. दैट्स व्हाई दे नॉट एक्सेप्टेड द डिमांड डिपॉजिट, बट बैंक्स एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट. ओके, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी अलाउड है? 100%, मतलब फॉरेन से बाहर से इन्वेस्टर आ सकता है, उसका 100% स्टेक होगा, यानी उसका 100% शेयर होगा, ओके, इन दैट एनबीएफसी. बट इन द बैंक्स देयर इज एन अलाउंस ऑफ 74% फॉर द प्राइवेट सेक्टर बैंक. सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक में 74%, ओके. एनबीएफसी डू नॉट क्रिएट क्रेडिट, बट बैंक्स क्रिएट क्रेडिट, ओके. द ट्रांजेक्शन सर्विसेज नॉट प्रोवाइडेड बाय द एनबीएफसी. ट्रांजेक्शन सर्विसेज लेन देन जो करते हो ट्रांजेक्शन, बट ट्रांजेक्शन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स. दे कैन नॉट इशू द चेक्स ड्रॉन ऑन देमसेल्फ. एनबीएफसी चेक इशू नहीं करती, बट द बैंक्स कैन इशू चेक्स, ओके. दे कैन एक्सेप्ट द टर्म डिपॉजिट मिनिमम टेन्योर 12 मंथ, ठीक है, 12 महीने का मिनिमम टेन्योर. बट द बैंक्स कैन एक्सेप्ट द टर्म डिपॉजिट मिनिमम 7 डेज एंड मैक्सिमम 10 years, ओके. टर्म डिपॉजिट जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हमने शायद फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो, है ना, भूल गए होगे शायद, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट क्लास में याद रखना, नहीं पता तो दोबारा चेक कर लेना, टर्म डिपॉजिट के बारे में पढ़ा था, ओके, याद है, शुक्र अल्लाह का. ऑल एनबीएफसी इज नॉट अलाउड टू टेक डिपॉजिट, बट ओनली दोज विच हैव स्पेसिफिक ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई. जिनको आरबीआई ऑथराइज करता है, जिनको जो आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड है, दे आर अलाउड टू एक्सेप्ट और होल्ड द पब्लिक डिपॉजिट, ओके. उसके बाद प्रॉब्लम पढ़ेंगे हम, तो प्रॉब्लम पढ़े हम. प्रॉब्लम क्या है एनबीएफसी के स्ट्रक्चर में? 1:30 बज चुका है, इसमें कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो. नो डाउट सर, अब रिपीट मत करवाना यार, गला दुख गया मेरा. कोई स्पेसिफिक चीज नहीं समझ आई? देन यू कैन आस्क. एनबीएफसी वर्सेस बैंक का 3rd पॉइंट, ओके. अरे यार, इट डज नॉट मेक अ पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम. देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम. एनबीएफसी उसका पार्ट नहीं है, बट बैंक्स हैं उसका पार्ट, ठीक है. वो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक करिकुलम है, एक बना हुआ है बैंक्स का, ठीक है, जिसमें जो रोज की ट्रांजेक्शन वगैरह के बारे में जो भी होता है, बैंक का जो भी काम धाम होता है उसके अंदर मेंशन होता है, ठीक है. बैंक्स उसका इंटीग्रल पार्ट है, बट एनबीएफसी नहीं है, ओके. 4 नंबर, 1, 2, 3, 4. एनबीएफसी को रिजर्व नहीं रखने होते, बैंक्स को रिजर्व रखने होते हैं. जैसे सीआरआर है, एसएलआर है, पैसा रिजर्व रखना होता है ना, याद है ना. यू फुल फॉर्म किसकी फुल फॉर्म भाई? अरे भाई अंडर
घर के पास नदी है बेटा, नदी नदी है, नदी नहीं तो कटोरी होगी घर में, कटोरी में थोड़ा सा पानी लो। हाँ कटोरी में थोड़ा सा पानी लो, थोड़ा सा डूब के आओ उसमें। सब कुछ फुल फॉर्म में चाहिए इनको, मतलब इनको चाहिए कि पूरे पूरे मैं पैराग्राफ लिख दूं यहाँ पे, मतलब सारा कुछ, मतलब अपने यार मेरे को सिंपल सी बात बताओ, जब मैं ये डिक्टेट करवा रहा था उस वक्त मैंने बोला था, आई थिंक बोला होगा अंडर देवर रजिस्टर अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या देवर रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट, ऐसा बोला होगा ना, पता क्या मेरी बात सुनो यार, ये चीज डेवलप करो ठीक है, इसको दिल पे मत लेना। अच्छा एक बच्चा कह रहा था कि सर सारी क्लास के सामने बेइज्जती, अरे कौन देख रहा है यहाँ पे, किसी को नाम याद हो रहे हैं क्या किसकी बेइज्जती हुई किसकी नहीं हुई, ना किसी की शक्ल दिख रही है ना कुछ दिख रहा है, इतनी टेंशन ना लिया करो। हाँ जिसने आलोचनाओं को सहा है ना वो बड़ा आदमी बना। बी आर अम्बेडकर का नाम सुने हो, बी आर अम्बेडकर का नाम सुने हो, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन सुने हो नाम? हाँ बाना साहिब कह रहे हो, भीमराव अम्बेडकर सुने हो ना, आपको पता है वो रोज स्कूल जाते थे और रोज उनका टीचर उनको बेइज्जती करके बाहर खड़ा कर देता था, और वो क्लास के बाहर खड़े होके, क्योंकि वो छोटी जाति से थे ठीक है, तो क्या कहते हैं रोज बेइज्जती करता, और रोज और डेली वो आते थे स्कूल में अपने और डेली बाहर खड़े होते थे, रोज टीचर बेइज्जती करता था, तुम छोटी जाति के हो, तुम छोटी जाति के हो, और डेली वो फिर भी पढ़ने जाते थे ठीक है। देखो क्या डेडिकेशन लेवल रहा होगा उनका ठीक है, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, देखो क्या डेडिकेशन लेवल रहा होगा उनका। हाँ शेड्यूल कास्ट से थे तो देख रहे हो सर, जिसने आलोचनाओं को सहा है ना, वो कहते हैं ना यार एक पत्थर होता है कुम्हार के पास, वो उसको आकार देने के लिए उसको बार बार चोट मारता रहता है, जो चोट मारता रहता है ठीक है, डायमंड को भी बहुत ज्यादा हीटिंग दोगे ना तब जाके वो हीरा बनेगा, समझ रहे हो, हीरा बनने के लिए उसको बहुत ज्यादा हीटिंग, कोयले को बहुत ज्यादा तपना पड़ता है ठीक है, जो जितनी ज्यादा आलोचना ही सहेगा ना तभी वो बड़ा आदमी बनेगा। आप पढ़ लेना उसके बारे में, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ लेना, इनको नहीं पता, तराशना पड़ता है बिल्कुल पाजी, और हीरे की पहचान जोरी को होती है, आप सब हीरे हो सर, इसमें दिल छोटा नहीं करना, घर में मम्मी डांट देती है नाराज हो जाते हो क्या, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं, तुम्हारी तरह स्टूडेंट ही हूं ठीक है, घबराना मत, तराश रहे बिल्कुल 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 मैडम जी, अब नहीं आगे चलना देवी जी, तो अब समय समाप्ति की घोषणा होने वाली है, आप क्या पढ़ते हैं सर? मैं यही पढ़ता हूँ जो तुम्हारे को पढ़ाना होता मैं स्टोन का डायमंड बनाना सीख रहा हूँ स्टोन को डायमंड कैसे बनाते हैं वो बहुत तैयारी कर रहा हूँ मैं, तुम्हारा एकदम, तुम गधे हो, तुम्हारे गधे से घोड़े बनाना है। नहीं नहीं यहाँ नहीं दिखा, डॉलर वाली पिक दिखाएंगे दिखाएंगे, समारोह सी संपत्ति से समय आ चुका है, अरे भाई साहब क्या विशाल काय हिंदी लिख दिया, दिखाएंगे बेटा दिखाएंगे, तो ऐसा है ये जो क्लास है रिकॉर्ड हो चुकी है, तो